देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम। गुड गुड इवनिंग सर। अच्छा देखो इवनिंग। एक ही क्वेश्चन बाकी था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी पेशेंस वाला है क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन टाइम लगेगा करने के लिए, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारा मशीन सर, इसका अलग कैलकुलेशन, इसलिए इसको सबसे लास्ट में मैंने लिया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ही है क्वेश्चन, हम पहले ही बोलते रहे, एक ही क्वेश्चन आज कर पाएंगे, बाकी एमसीक्यू एक ही, वैसे भी एक ही बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा भी ध्यान मत हटाओ नहीं तो नहीं समझ पाओगे। बोल रहा है, ए फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 2018 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोस। बोल रहा है कि प्लांट मशीनरी 31 दिसंबर 2018 का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि 2002 में एक प्लांट मशीनरी परचेज हुआ था जिसका कॉस्ट कितना था, 2 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है 2 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। ये किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं बता रहा है, ये बता रहा है परचेज डेट से लेके टिल द डेट तक, ठीक है। तो अगर किसी एसेट का कॉस्ट 2 लाख रहा था, ठीक है, और उस पे अगर डेप्रिसिएशन लग चुका है 2 लाख, क्या इस पे फर्दर और डेप्रिसिएशन लग सकता है, नहीं, ठीक है। तो इस पे आगे जाके और डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अब 2008 का भी देखो, बोल रहा है 2008 में 3 लाख का टोटल एसेट था जिसपे अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है, 3 लाख, क्या इस पे आगे जाके डिप्रिसिएशन लग सकता है, सेम कंसेप्ट, नहीं लग सकता। अच्छा 10 लाख का एसेट था जिसपे अभी तक डिप्रिसिएशन लगा है 9 लाख 50, तो क्या आगे डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे, हाँ ठीक है। अब कितना लगेगा वो तो हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन आगे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि पूरा एसेट यूज नहीं हुआ है, पूरा जीरो तो हुआ नहीं है, तो डिप्रिसिएशन लगेगा। 7 लाख के एसेट पे 595 तक ही लगा है, मतलब इस पे भी स्कोप है कि आगे डिप्रिसिएशन लग जाएगा। 5 लाख में 75, इस पे भी स्कोप है, आगे डिप्रिसिएशन लगेगा, सेम फॉर दिस वन, ठीक है। ये जो लास्ट का 4 है इस पे आगे जाके डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन ये दोनों पे और आगे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि ये फुल्ली यूज हो चुका है। ये तो यहाँ का इंफॉर्मेशन है। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे लगने का मतलब कौन सा मेथड, SLM, ठीक है। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल द परचेजेस सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट ऑकर्ड ऑन 30 जून। ये कंपनी का पॉलिसी है कि एसेट जब भी परचेज होता है, सेल होता है या डिस्पोज ऑफ होता है, कौन से डेट को ये लोग चूज करते हैं, 30 जून। अब जिस भी ईयर में होगा उस ईयर को कंसिडर करेंगे इन द रेलिवेंट ईयर, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच दिस इवेंट ऑकर्ड। अच्छा अब और एक चीज भी बोल रहा है, बोल रहा है पहले तो बोला है देखो कंपनी का पॉलिसी क्या है कि परचेस कब होता है, 30 जून चाहे जब भी हो, सेल कब होता है, 30 जून चाहे जब भी हो, डिस्पोजल कब होगा, मतलब वही सेल 30 जून, रेलिवेंट ईयर। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट। अच्छा बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी हमारा इसी तरीके से करना है, मतलब अगर 30 जून को अगर हमारा कोई एसेट सोल्ड हो रहा है तो हमें 30 जून तक का डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। अच्छा मतलब सारी चीज, ये सेल परचेज रिगार्डिंग सारे डेट हमें क्या मानना पड़ेगा, 30 जून, और उसी डेट से लेके डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। अब बोल रहा है ड्यूरिंग 2019 देखो कुछ बोला है, ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है, 15 लाख, ये कब का परचेज है, 2019। फिर बोल रहा है प्लांट जिसका खरीदारी हुआ था 2008 में, ये देखो 2008 में जिसका परचेज हुआ था 1,70,000 से, तो 2008 में हम लोगों ने कितना का प्लांट खरीदा था, 3 लाख, जिसमें से 1,70,000 का स्क्रैप हो गया है प्लांट, ठीक है। तो ये 3 लाख का कितना पार्ट होगा, दो पार्ट होगा, एक कितना 1,70,000, दूसरा कितना हो जाएगा 1,30,000 होगा कि नहीं। अगर 3 लाख के प्लांट का 1,70,000 स्क्रैप हो गया है
ये तो बोल रहा है वो प्लांट जो 170 का था, बाकी जो है वो अभी तक हमारे पास है, इसका मतलब ठीक है। प्लांट जो 2019 में हुआ था 10 लाख का जो परचेज था, उसमें बोला है 90,000 सोल्ड आउट है, कितने में, 5,000 में, तो बाकी बचा हुआ है ठीक है। और 2010 का जो प्लांट था 7 लाख का, वो 2,40,000 वाला सोल्ड हो चुका है 15,000 में ठीक है। इसका 2,40,000 वाला सोल्ड हो चुका है, तो बाकी अमाउंट जो है ये हमारे पास बचा हुआ होगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ठीक है। ये तो भी इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, बाकी इसको डिटेल्स में करोगे तो ही पता चलेगा ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजन यू शुड बियर इन माइंड दैट इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एज कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लांट मशीनरी को बेच के अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है वो पीएल में सेपरेटली ट्रीट करते हैं। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर, हमें लेजर बना के देना है, मेनली ये 3 लेजर बना के देना है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट में बनेगा, डिप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट बनेगा और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। ये 3 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करके देना पड़ेगा ठीक है। अच्छा, तो ये 3 अकाउंट के लिए यहाँ पर पहले हम बता देते कितना कितना हमें जगह चाहिए होगा ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हम इसको ना पूरा स्प्लिट करके दिखाएंगे ठीक है, क्योंकि एक ही बार में इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है और उसमें समझ में भी नहीं आता है, तो जगह ज्यादा चाहिए होगा ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन रहा है 31st December 2019 का बनेगा। अच्छा, इसमें जगह चाहिए होगा, ये मेरा 1 पेज जगह हम रखेंगे ठीक है, क्योंकि उतना जगह नॉर्मली नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको क्योंकि पार्ट पार्ट करके लिख के दिखाएंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि वही वर्किंग नोट में तो करना ही पड़ेगा, तो ये पूरा 1 पेज जगह रख लो ठीक है। तुम्हारे 1 पेज लगता नाम अलग, तुम्हारे हाफ एक तो बेसी रख लेते। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बड़ा होगा, प्लांट मशीनरी डिस्पोजल जो है वो आधा काफी है ठीक है, अभी जो बना है उससे आधा काफी है। इसके बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, उसका पूरा 1 पेज लगेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मेरे यहाँ पर जो जगह है उसके हिसाब से 1 पेज लगेगा। हम पूरा 1 पेज ही रख रहे क्योंकि कम ज्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाता है ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये छोटा बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, इसका उतना जगह नहीं चाहिए। अकाउंट तो बन जाएगा, मेन इसका वर्किंग नोट है ठीक है, मेन हमें वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। इतना इतना जगह रखना पड़ेगा मेरे इस पेज में, इतना मतलब तुम लोग समझ लो, क्योंकि हम लोग तो करते ही हैं इस पेज में, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है तुम लोग के कॉपी का आधा से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो हो जाएगा ठीक है। ये प्लांट मशीनरी डिस्पोजल हो गया। अच्छा, अब ये देखो प्रोविजन का एक बार मेथड याद दिला देते, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग कौन से कॉस्ट में दिखाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में ठीक है। उस पर लगाया हुआ डिप्रिसिएशन यहाँ पर आता है, उसका एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और एसेट डिस्पोजल में क्या दिखाते हैं, कितने का एसेट बिक गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट इधर दिखाते हैं, टोटल जितना डिप्रिसिएशन लगा वो इधर दिखाते हैं, जो पैसा मिला वो इधर दिखाते हैं बाय बैंक बोल के, और सेल करके अगर लॉस हुआ इधर होता है, प्रॉफिट हुआ तो इधर होगा, यहाँ पर यही आएगा। लेकिन एक से ज्यादा मशीन है यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं ठीक है, मोर देन 1 मशीन है इसलिए। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करते, देखो मेरे साथ साथ करो, अगर तुम लोग देरी करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, हम पहले ही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, पहला प्लांट एंड मशीनरी देखो ये वाला कितने का है, 2 लाख। हम एक एक मशीन को ना नाम दे देंगे ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। पहला मशीन को हम M1 नाम दे रहे हैं ठीक है, पहले मशीन को हम नाम देते हैं M1 ऐसे करके। देखो वर्किंग पे कंसेंट्रेशन करेंगे फिर फटाफट वहां पर पोस्ट कर देंगे ठीक है। M1 का वैल्यू है मेरा 2 लाख ठीक है। अच्छा, अब ये M1 मशीन के बारे में क्या बोला था, अगर तुम लोग देखोगे M1 मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला, ये मशीन खरीदा गया था 2002 में, इस पे पूरा डिप्रिसिएशन लग चुका है 2 लाख का, तो क्या ये एसेट का कोई भी वैल्यू हमारे पास और बचेगा,
नहीं, ठीक है। तो इस पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर पूरा 2 लाख इसका हो चुका है डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी ये मेरा जीरो वैल्यू शो कर रहा है और कोई भी वैल्यू ये मेरा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एंट्री अगर लिखना हो तो कहाँ कहाँ लिखोगे बोल सकते हो, इसको कहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा बोलो, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कैसे जाएगा, इसका ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोल के लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीटी, बैंक नहीं होगा, परचेस तो नहीं किए ना, देखो बैंक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2002 का है, हम लोग कब का अकाउंट बना रहे हैं, हाँ, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीटी, ठीक है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, 1119 में ऐसे लिखना, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, एम वन, और यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिखो 2 लाख, सबको जोड़ के आउटर में टोटल लिख देंगे, ठीक है। टोटल कितना आएगा वो हम अभी से बता देते हैं, देखो टोटल 30 लाख ही आएगा टोटल, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग करके इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बिना अलग किए बिना नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनर कॉलम में 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लगा हुआ टोटल डेप्रिशिएशन को कहाँ दिखाओगे, डेप्रिशिएशन तो इसका खत्म हो गया, मुझे एक चीज बोलो, अगर इसका ये 2 लाख पे पूरा 2 लाख डेप्रिशिएशन लग चुका है तो जिस बार हम लोग अकाउंट्स बना रहे क्या इस बार इस पे कोई डेप्रिशिएशन लगेगा, नहीं लगेगा, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे पास से क्या हो चुका है बोलो, डिस्कट तो हो चुका है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग को देखो एक चीज ये सोचो, हमें ये भी तो नहीं बोला ये बेच दिया है हम लोगों ने, बोला है क्या, नहीं, लेकिन इसको हम लोगों ने फुल्ली यूज कर लिया, लेकिन है हमारे पास, मतलब एसेट बेकार पड़ा है, मैंने डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया है, तो ये मेरा कैसे दिखेगा बाद में, क्लोजिंग बैलेंस में दिखेगा, मेरे पास एक एसेट है सोचो जिसका 2 लाख का वैल्यू था, इसका 2 लाख पूरा मैंने यूज कर लिया, बट वो रख रखा है मैंने अपने पास, उसको नहीं बेचा, ना तो स्क्रैप में दिया, ना तो जीरो वैल्यू में दिया, ना तो कुछ किया, मेरे पास ही रखा है, मान लो मेरा एक फोन एकदम बेकार हो गया, ठीक है, हम उसको यूज ही नहीं करते, लेकिन उसको मैंने रख रखा है, तो फिर वो मेरे पास है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम लोग नॉर्मली फोन वगैरह किसी को ऐसे स्क्रैप में देने के पहले सोचते हैं ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो हम लोग अचानक से थोड़े ना किसी को फोन दे सकते हैं, उसको पूरा तोड़ फोड़ के उसको कुछ करके तो भी तो ही दे सकते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस एसेट का मतलब ये है कि ये एसेट हमारे पास था, ये फुल्ली यूज है और अभी भी हमारे पास है, लेकिन इस पे और डिप्रिशिएशन नहीं लग रहा है क्योंकि ये पूरा यूज हो चुका है, तो इसको मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, 31 December 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वहां पर तुम लोग इसको दिखाओगे ऐसे करके, बाई बैलेंस सीडी M1 तुम लोग के पास पड़ा हुआ है कितने का, 2 लाख, ठीक है, लिख लो ये पड़ा हुआ है 2 लाख का, ठीक है। अच्छा, इस पे डेप्रिशिएशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ऑलरेडी सारे डेप्रिशिएशन इस पे लग चुके हैं, दिखा दिया है हम लोग का टोटल 2 लाख का डेप्रिशिएशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2008 वाले पे चलते हैं, तो 2008 वाले का कॉस्ट कितना बोला है, 3 लाख। अब देखो 2008 का यहाँ डिटेल्स दिया है, बोल रहे 1,70,000 वाला एसेट स्क्रैप हुआ है, लेकिन बाकी है हमारे पास, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वर्किंग नोट 2 में चलो, ठीक है, वर्किंग नोट 2 में चलो, देखो वर्किंग नोट 2 में हम लोग लिखेंगे ऐसे M2, ठीक है, M2 का टोटल कितना है, M2 का टोटल है हम लोग का 3 लाख, ठीक है, ये देखो M2 का टोटल है हम लोग का 3 लाख। अच्छा, इसका हम लोग 2 पार्ट करेंगे, ठीक है, एक को हम लोग नाम देंगे M2A, ठीक है, और दूसरे को नाम दे देते हैं M2B। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2008 में परचेस किया गया एसेट का 1,70,000 स्क्रैप हो गया है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं 1,70,000, तो बाकी कितना बचा बोलो, क्या बोला ऊपर, हाँ 1,30,000। अच्छा, अब देखो यहां पर बोल रहा है कि इस पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 3 लाख, ठीक है, तो मतलब फुल्ली डेप्रिशिएट है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे भी मेरा 1,70,000 लग चुका है, इस पे भी मेरा 1,30,000 लग चुका है, क्योंकि मेरा तो फुल्ली डेप्रिशिएट है, ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पर लिख दो 1,70,000 और यहाँ पर लिख दो 1,30,000, क्योंकि मेरा तो टोटल कैंस मतलब पूरा तो जीरो हो ही गया है, अब जितना भी डेप्रिशिएशन लगे क्यों ना, ठीक है, या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, देखो रूल्स मेनली ऐसे होता है कि एक बार तुम लोग इस 3 लाख को 17:13 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो तो कितना होता है, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करो 3 लाख को 17:13 में, एसेट के वैल्यू के बेसिस पे डेप्रिशिएट करना, देखो ये तो टोटल डेप्रिशिएशन है, सॉरी
3 लाख जो है टोटल कॉस्ट है और उस पे टोटल डिप्रिशिएशन भी 3 लाख है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 लाख 70 पे कितना डिप्रिशिएशन है, 1 लाख 30 पे कितना डिप्रिशिएशन है? बात समझ में आ रहा है? देखो हम लोग को ये पता करना है कि मुझे पता है टोटल ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख, बट एक एसेट का नहीं, दो एसेट का, एक एसेट 1 लाख 70 का, दूसरा 1 लाख 30 का, ले तो दोनों पे कितना कितना डिप्रिशिएशन होगा? जब हम लोग बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं तो एसेट के कॉस्ट पे किया जाता है, तो एसेट का कॉस्ट का रेशियो क्या हो गया, 17:13। अब 3 लाख को 17:13 पे डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा? 1 लाख 70 हो रहा है ना, तो इसी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसे होगा? 3 लाख का ये 3 लाख ये वाला नहीं है, ये 3 लाख कौन सा है, डिप्रिशिएशन वाला 3 लाख है। इसमें कॉस्ट भी 3 लाख, डिप्रिशिएशन भी 3 लाख। ये जो 3 लाख है दिस इज द कॉस्ट, और ये जो 3 लाख है ये है टोटल डिप्रिशिएशन, दोनों ही 3 लाख 3 लाख है। ठीक है, अच्छा आप तुम लोग सोचोगे पहले वाले में क्यों नहीं किया, पहले वाले में दो पार्ट था ही नहीं, एम वन में कहा दो पार्ट था, एम वन में दो पार्ट नहीं था। ठीक है, अच्छा 3 लाख का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 लिख दिया है मैंने गलती से, ये हो जाएगा 13/30, तो कितना हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, तो इसका मतलब 1,70,000 पे कितना डिप्रिशिएशन लगा, 1,70,000, 1,30,000 पे कितना लगा, 1,30,000। अब इसका पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, अकाउंट में। अच्छा बोलो सबसे पहले किधर लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट में लिखेंगे कि ये एसेट हमारे पास था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस विधि बोल के दो नाम से लिखना पड़ेगा, लिखो एक एक नाम क्या देंगे, क्या नाम दिया है बोलो, एम टू ए और एम टू बी, लिखो एम टू ए, ये देखो एम टू ए और एम टू बी। ठीक है, एम टू ए का वैल्यू कितना लिया है हम लोगों ने, 1,70,000। अब उसमें देखो इंटरचेंज हो सकता है, तुम लोग इसको 1,70,000 मानो या इसको मानो, ए बी उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो हम अपने मन से कर रहे हैं, आंसर इसमें कुछ वैरी नहीं करेगा। ठीक है, 1,70,000 और 1,30,000। अच्छा अब इसमें हम लोगों ने बोलो कौन सा एसेट हमारे पास जो है बिक गया, बोलो 1,70,000 वाला। अच्छा जो बिक गया वो हमारे पास से चला जाएगा एसेट, तो वो चले जाने पे एंट्री क्या होता है, ये ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट हमें डिस्कट करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को क्या करते हैं, डिस्कट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कब सेल होगा, क्योंकि इनका सभी डेट मुझे क्या मानना है 30 जून। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, कौन सा वाला डिस्पोज ऑफ हो रहा है, एम टू ए। ठीक है, कितना वैल्यू है, 1,70,000। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जैसे ही मैंने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, इसका क्रॉस पोस्टिंग कहां जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल में जाएगा, इनर कॉलम में, नो डाउट। प्लांट एंड मशीनरी कहां पर जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, इसका क्रॉस पोस्टिंग करो, क्या लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखो 30 जून 19 को लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एम टू ए, ये लिख लेना, नहीं तो बाद में तुम लोग को खुद को नहीं समझ में आएगा कितना सारा अकाउंट हो जाएगा ना, ये देखो 1,70,000। अच्छा जब कोई एसेट सोल्ड होता है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट को इधर लिखते हैं, डिस्कट हुआ, और क्या करते हैं उसपे अब तक का जितना डिप्रिशिएशन लग चुका है उसे मुझे कैंसिल आउट इधर लिखते हैं, क्या बोल के एंट्री लिखते हैं, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर 30 जून 2019 को लिखो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, एम टू ए बोलोगे मुझे कितना वैल्यू लगाओगे, अभी कैलकुलेट करके मैंने तुम लोग को दिखाया, बोलो कितना वैल्यू लगा, 170। ठीक है, तो 170 लिख दो यहाँ पर, और जैसे ही इधर लिखा, जैसे ही तुम लोगों ने इधर लिखा उसके बाद कहाँ क्रॉस पोस्टिंग करो, प्रोविजन अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर लेना। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, साथ ही साथ करते जाओ, मतलब क्रॉस पोस्टिंग भी नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, कौन सा डेट लोगे, 30 जून 19 को लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखोगे, डिस्पोजल एम टू ए, कितना हो जाएगा, 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 ये हो जाएगा। अच्छा अब ये एसेट कितने में बिका वो देख के प्रॉफिट लॉस भी तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये एसेट कितने में बिका, पूरा स्क्रैप हो गया, मतलब कौन से वैल्यू में बिका, कोई भी
नहीं मिला, बोल रहा है 1,70,000 हम लोगों ने फुल डेप्रिशिएट कर दिया था, और देखो ना 1,70,000 डेप्रिशिएट होने के बाद एसेट का वैल्यू क्या बचा, जीरो, और हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया, मतलब किसी से पैसा नहीं मिला, फेंक दिया, तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, मेरा 1,70,000 का एसेट मैंने पूरा 1,70,000 यूज कर लिया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो ठीक है भाई कुछ नहीं मिला तो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, अगर कुछ मिल जाता तो प्रॉफिट होता, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है क्योंकि मैंने तो फुल्ली एसेट को यूज कर लिया, एसेट में तो कुछ बचा ही नहीं था, तो अगर उसके बाद वो डिस्कर्ड हो जाता है तो मेरा उसमें ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो उसमें कोई मेरा लॉस है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने एक चीज लिखवाया नहीं, वो भी लिखवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बैलेंस से स्टार्ट किया था ना तो वो तो इधर भी होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का भी तो मुझे बैलेंस लिखना चाहिए ना, क्योंकि अकाउंट मेरा कब से है, 2002 से मेरा अकाउंट चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,119 में सारे प्रोविजन को ब्रॉट डाउन करने पड़ेंगे, डिप्रिसिएशन का टोटल अभी तक जो प्रोविजन है, ठीक है, तो मुझे बोलो यहाँ पर कौन सा प्रोविजन आएगा, बाय क्या लिखना पड़ेगा, बोलो बाय बैलेंस बीडी, जैसे एसेट का टू बैलेंस बीडी हुआ, मशीन वन मशीन टू का दो पोर्शन लिखा, तो सेम ये मशीन्स का क्या लिखना पड़ेगा, या डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा कि नहीं, बैलेंस, बोलो मशीन वन का बैलेंस कितना होगा, मशीन वन का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना होगा, जीरो नहीं, बोलो 2,00,000 होगा ना, 2,00,000 है ना, तो ये देखो वो तो जीरो हुआ इस बार और चार्ज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 1,119 में ये एसेट क्योंकि मैंने डिस्कर्ड नहीं किया है, जैसे मैंने बोला मेरा पुराना फोन है पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने बेचा भी नहीं है, मेरे पास रख रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास 2,00,000 का फोन है, 2,00,000 का डिप्रिशिएट हो चुका है, वो मुझे लिखते जाना है जब तक वो मेरे पास से हटेगा नहीं, मेरे पास से एसेट जब तक नहीं चला जाएगा मुझे लिखते जाना, और इसके बाद एम टू ए वाला भी लिख लेते हैं और एम टू बी वाला भी, क्योंकि अभी तक ये तीनों का ही मैंने ट्रांजेक्शन दिखा है इसलिए, ठीक है, एरो हम समझाने के लिए कर रहे, बाकी तुम लोग एरो मत देना क्योंकि नॉर्मली लेजर के अंदर तो एरो होता नहीं है, वो दिखाने के लिए ताकि इतना सारा डेटा है इसीलिए, ठीक है। अच्छा एम टू ए का अभी तक का डिप्रिसिएशन 1,119 तक कितना लग चुका है, 1,70,000, ठीक है, और एम टू बी का कितना लग चुका है, 1,30,000, ठीक है, तो देखो जो बाकी था वो भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया, ठीक है, मतलब हम लोग का बेसिकली अगर देखें तो ये दो अकाउंट हम लोग का बन चुका है, ठीक है, ये दोनों चीज का हम लोगों ने डिटेल्स लिख लिया, तो अब तक हम लोगों ने क्या लिखा, देखो ये अकाउंट बड़ा है देखने में तो तुम लोग को ऐसा लगेगा क्या लिखा है, कुछ नहीं, देखो हमारे पास एक 2,00,000 का एसेट था और एक 3,00,000 का था, ठीक है, ये 3,00,000 जिसको मैंने दो पार्ट किया है, क्यों दो पार्ट किया है, क्योंकि इस एसेट से हमारा कुछ सोल्ड आउट है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसमें से 1,70,000 वाला बी किया, ये देखो इधर दिख रहा है, ठीक है, और 2,00,000 वाला अभी भी हमारे पास है, और 1,30,000 वाला, बोलो 1,30,000 वाला अभी भी हमारे पास है कि नहीं, डिस्कट नहीं हुआ है ना, 1,30,000 फुल्ली यूज है ऑब्वियसली, लेकिन 2,00,000 की तरह वो भी तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम टू बी कितना, 1,30,000, ठीक है, ये एसेट हम लोग के पास पड़ा हुआ है इसीलिए लिखना पड़ेगा, अगर डिस्कट कर देते ना 1,70,000 वाले जैसा तो फिर नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, तो 2,00,000 वाला हमारे पास तब भी था अभी भी है, 1,30,000 वाला तब भी था अब भी है, लेकिन फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, डिप्रिशिएशन करने के हालत में नहीं है, लेकिन हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, जब तक हम लोग डेबिट किए थे एसेट को डिप्रिशिएट कर लिया, अब जब तक क्रेडिट नहीं करेंगे नहीं बेचेंगे तब तक तो अकाउंट से हटा नहीं सकते ना, ऑब्वियसली मेरे यूज में नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में अब एक बार डेबिट एंट्री किया है तो उसको हटाने के लिए तो क्रेडिट एंट्री जरूरी है, बिना क्रेडिट एंट्री के हटाए कैसे, ठीक है, जैसे ये हट गया, ये बोला है डिस्कर्ड हुआ तो ये हट गया, ठीक है। अच्छा अब इसका यहाँ पर ये अकाउंट देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, मशीन वन का डिप्रिसिएशन अब तक का इतना, ये दोनों का इतना, ठीक है, और इसमें से ये मेरा 1,70,000 डिस्कर्ड कर देंगे, टोटल इतने डिप्रिसिएशन में से 1,70,000 निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये एसेट हो चुका है सोल्ड आउट। अच्छा ये एसेट 1,70,000 का ओरिजिनली था और ओरिजिनली इस पे अभी तक इस पे टोटल डिप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 1,70,000, फर्दर डिप्रिसिएशन लगाने का कोई जगह नहीं था, इसको हम लोगों ने कहीं सेल नहीं किया है, इसको हम लोगों ने डिस्कर्ड कर दिया है, इसको हम लोगों ने हटा दिया, बाकी के केस में लाइक 2,00,000 वाले केस में या 1,30,000 वाले केस में ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है कि हम लोगों ने इसको डिस्कर्ड किया है, ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, ये देखो स्क्रैप, बाकी के लिए नहीं बोला है, अगर बोलेगा तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया हम लोग का 3,00,000, अब 10,00,000 वाला देखो जो कि हम लोग का 2009 वाला है, उसमें दो पार्ट करना है, एक 90,000 अब बताया है कितने में सोल्ड आउट हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम लोग, तो एक पोर्शन अगर 90,000 है तो बाकी कितना होगा, बोलो 10,00,000 का मशीन एक भाग अगर 90,000 है तो बाकी कितने का होगा, बोलो ये तो माइनस करके बताना है,
देखो कैलकुलेट करके ओरली में इसको मैंने मशीन थ्री नाम दे दिया, इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख। इसका दो पार्ट कर लेंगे फिर से, एम थ्री ए और एम थ्री बी, ठीक है। अच्छा, इसका दो पार्ट क्या क्या होगा? एक है 90,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये आगे जाके सोल्ड आउट हो जाएगा। तो अगर 10 लाख में एक पोर्शन 90,000 है तो बाकी पोर्शन कैसे निकालोगे? माइनस कर लेना, ठीक है, 9,10,000, ठीक है। अच्छा, अब इस पे अभी तक कितना डेप्रिशिएशन लग चुका है? देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, ये टोटल 10 लाख पे अब तक कितना डेप्रिशिएशन लग चुका है? 9,50,000, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे दिया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये एसेट तो सोल्ड आउट है, क्वेश्चन बोल रहा है ये सोल्ड आउट है, ये मेरे पास अभी तक है और मेरे पास डेप्रिशिएशन लगाने का पूरा पूरा स्कोप है। ये देखो डेप्रिशिएशन लगाने का स्कोप है क्योंकि 10 लाख में 9,50,000 अभी तक डेप्रिशिएशन लगा है, तो ऑब्वियसली जो सोल्ड आउट हुआ उस पर तो डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा लेकिन बाकी पे तो लगेगा। अच्छा, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये 9,50,000 तो टोटल डेप्रिशिएशन है फॉर 10 लाख, तो 90,000 पे कितना और 9,10,000 पे कितना वो निकालने के लिए अभी अभी तुम लोग को बताया कैसे करना है, कॉस्ट के रेशियो में डेप्रिशिएशन को डिवाइड कर है, ठीक है। तो एसिड का कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:91 हो जाएगा। ये देखो 9:91, ये दोनों का रेशियो करोगे इक्वली, 440 हटा दो, 9:91 हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालो इसका और इसका, ठीक है, कि 9,50,000 में इसका कितना डेप्रिसिएशन और इसका कितना। सिंपल क्या करना है, ये देखो 9,50,000 इंटू कितना करोगे, 9/100 हो जाएगा। ये दोनों टोटल करो, 9/100 कितना हो जाएगा, 100, तो कितना आंसर आ रहा है देखो, 85,500। अच्छा, फिर 9,50,000 और ये हो जाएगा 91/100, तो कितना आएगा, 8,64,500, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लेस कर दो डेप्रिसिएशन 85,500, तो बचा हुआ वैल्यू कितना, 85,500। और इस पे लग रहा है 8,64,500। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन ठीक है, 9,10,000 माइनस 45,500। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो दो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस किया है, ये कब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये बता सकते हो, ये कब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? ये देखो, ये हम लोग को, ये कौन सा वाला लिया हम लोग, 9,50,000 को तो डिवाइड किया, ये 9,50,000 का डेप्रिसिएशन कब तक का चार्ज किया हुआ है वो हम पूछ रहे हैं, टाइम 18 तक का लास्ट, ठीक है, मतलब 19 में अभी हमें और भी डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये 18 तक का डिप्रिशिएशन है, मतलब इसका डेट कौन सा लगा सकते हैं, 31 December 18, क्योंकि दिसंबर का इनका ईयर है। अच्छा, अब ये एसेट बिकने वाला है, ठीक है, अब बिकने का डेट कौन सा है, हाँ बोलो, 30 June, ठीक है, ये एसेट बिकेगा 30 June को बिकेगा। अच्छा, अब 30 June को अगर बिकेगा तो मुझे बोलो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इसके बाद फिर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा कि नहीं, ठीक है, 30 June तक डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगेगा, बात याद रखो, कितने पे लगेगा, 90,000 पे, लास्ट डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ था वो तो 18 तक का दिया हुआ था, इसके बाद हम लोग एसेट को बेच रहे हैं, डेट कौन सा हमें अजम्पशन लेना है, जून, तो जैन से जून कितना मंथ होता है, 6 months, कितने पे लगाओगे, 90,000 पे लगाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ठीक है, तो 90,000 इनटू कितना हो जाएगा, जो रेट है, रेट क्वेश्चन में बताया है, बिल्कुल बताया, कितना परसेंट, 10%, ठीक है, तो इस पे 10% इनटू कितना करोगे, 6/12, तो बोलो कितना होता है, अरे बोलो, 4,500, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 4,500। अच्छा, हम थोड़ा सा ना इस, ये ठीक ही लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ये मेरा नीचे आ गया ताकि हम लिख पाए, ठीक है, तुम लोग अगर लिखे हो तो लिखो, ठीक लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहे हैं और कुछ नहीं,
4500, ठीक है। तो ये बोलो यहाँ पर वैल्यू तो मेरा जीरो बच गया, मतलब इसको भी मैंने फुल्ली यूज कर लिया। अच्छा, लेकिन इसको सेल किया तो मार्केट में इसका कुछ वैल्यू मिला है, कितना? 5000। तो बोलो प्रॉफिट में बिका कि लॉस में? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट? 5000, ठीक है, 5000 का पूरा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब M3B का देखते हैं, ठीक है। M3B का देखो, 45,500 तक इसका वैल्यू बचा हुआ था, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, इसको तो इसका डिप्रिशिएशन कब तक लगेगा, ये कब तक का है? 18 तक। हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं? 19 का। तो इस एसेट पे कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा? 1 ईयर, पूरा 1 ईयर का, फुल ईयर, ठीक है। तो कितने पे लगेगा? 9,10,000 इंटू 10% इंटू 12/12, बोलो कितना होता है? 91,000। मुझे बोलो क्या 91,000 का डिप्रिशिएशन देने का यहाँ कोई स्कोप है? मेरा एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 45,500। तो मैक्सिमम मुझे अगर 91,000 देने का दिख रहा है कैलकुलेशन पे, लेकिन मेरे पास स्कोप कहाँ है? मेरा एसेट का तो उतना वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू से ज्यादा तो हम डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम कितना चार्ज कर पाए? 45,500 ही। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। समझ में आए इस एसेट का कैलकुलेशन क्या होगा? अब पहले ये लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास टोटल कितने का एसेट था? एक 90,000, एक 9,10,000, जिसमें 90,000 वाला 5,000 के प्रॉफिट में सोल्ड आउट हो गया, और जो बाकी बचा हुआ है उसका भी पूरा डेप्रिशिएशन लग चुका है इस पे भी, और आगे जाके फर्दर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। इसको अगर आगे कैलकुलेशन होता फॉर द ईयर 2020, तो इस पे आगे जाके और डेप्रिशिएशन नहीं लगता, क्योंकि इसमें फुल डेप्रिशिएशन, वैसे तो लगाने का स्कोप ज्यादा था, लेकिन हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको पोस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम लोग एसेट अकाउंट में दिखाएंगे कि हमारे पास ऐसा कोई एसेट था, ठीक है। तो 90,000 और 9,10,000 से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखोगे? ये वाले अकाउंट में, ठीक है। नाम क्या है एसेट का? हम लोगों ने नाम क्या दिया है? M3A और M3B। वैल्यू बताओ, ए को हम लोगों ने लिया है 90,000, बी का हम लोगों ने कितना लिया है? 9,10,000, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा सोल्ड आउट हो रहा है? 90,000 वाला। तो सोल्ड आउट होने से एंट्री क्या होता है? इधर हो जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट इधर लिख देते हैं डिस्पोजल। कौन सा वाला हो रहा है? M3A। कितने का एसेट? 90,000 का एसेट। अच्छा, जैसे डिस्पोज ऑफ होगा, मुझे क्या करना है? डिस्पोजल अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देना है। डिस्पोजल अकाउंट में जाओ, जाके क्रॉस पोस्टिंग करो। क्या लिखोगे? टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पर जाओ और लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और M3A, ठीक है। वैल्यू कितना है? 90,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका पूरा डिप्रिशिएशन डिस्कट करना पड़ेगा, जो एसेट हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट M3A का। बोलो M3A का टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा? तो कैसे पता करोगे? जाओ वर्किंग नोट में जाओ, दिखेगा। अब तक का टोटल डिप्रिशिएशन तो मुझे क्वेश्चन ही दे दिया था, जिसको मैंने बाइफर्केट किया था, और नया वाला दोनों को मिला के मुझे बोलो पुराना वाला कितना है? 18 तक का कितना है? 85,500। और अभी जो दिया 6 मंथ्स का, तो टोटल कितना हुआ देख लो? 90,000। तो इधर कितना लिखेंगे? 90,000। अच्छा, एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट कितने का? 5,000 का, वो भी तो इसी अकाउंट में आता है। तो क्या लिखेंगे? टू, थोड़ा सा नीचे लिख रहा है, ठीक है, इसको नीचे लिख रहा है, क्योंकि और एक एसेट सोल्ड का, इसके नीचे नीचे लिख देंगे। इसके नीचे भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके नीचे लिख देते, चलो यहाँ पर टू PL प्रॉफिट ऑन सेल M3A। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो गया? 5,000। अच्छा, अब क्या करना है तुम लोग को? प्रोविजन अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है, ठीक है। प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखोगे? टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल कितना लिखोगे? 90,000, ठीक है। टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल 90,000 लिखो यहाँ पर, क्रॉस पोस्टिंग। टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल M3A 90,000, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब
यहाँ पर M3A हम लोगों ने ये वाला लिख लिया। अच्छा अब M3A का भी तो बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग बाई बैलेंस BD करके M1 लिखे, M2 लिखे, M2B लिखे, वैसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, M3A का भी लिखना पड़ेगा और M3B का भी लिखना पड़ेगा। ये सब तो बैलेंस है, ये सब तो बैलेंस है, बैलेंस तो ब्रॉट डाउन होगा। तो M3A का बैलेंस कितना था बोलो, जब ब्रॉट डाउन हुआ तब उसके उस पर डिप्रिसिएशन कितना था, 85,500। ये तो बैलेंस लिख रहे हैं ओपनिंग वाला। और M3B का कितना था, 8 लाख, देखो तुम लोगों ने 64,500। ये हम लोगों ने क्या लिखा, बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन किया, क्योंकि हम वर्किंग के साथ साथ लिख रहे हैं तो इसके साथ साथ ही इसे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग पूरा वर्किंग करके करोगे तो इसमें ब्रॉट डाउन कर लेना, लेकिन उसमें क्या होगा समझने में दिक्कत होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रॉट डाउन वैल्यू लिख रहे हैं एसेट का, वैल्यू का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और भी कुछ एसेट का तो डेप्रिशिएटेड मतलब ब्रॉट डाउन वैल्यू आ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा गैप रख के नीचे की तरफ जाके हम लोग डेप्रिशिएशन अभी और भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने 30 जून तक का 2 एसेट का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया, कौन सा, M3A का, ठीक है, और M3B का। तो वो कौन से डेट पे आएगा, वो तो ये डेट पे नहीं होगा, वो कौन सा होगा, M3A वाला डेट कौन सा होगा, 30 जून, ठीक है, और M3B वाला डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो थोड़ा कितना जगह रखना है बता देते। इसके बाद लगभग हमें और 4 मशीन यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, वैसा जगह रख दो और यहाँ पर लिखो डेट दो, एक हो जाएगा 30 जून 2019 बाई डेप्रिशिएशन मशीन 3A। ठीक है, कितना डिप्रिशिएशन लगा है उस पर हम लोगों ने, 4,500। ठीक है, 4,500। अच्छा ये शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही नीचे रख दिया, ठीक है थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 4-5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग भी उसी हिसाब से जगह रख दो, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो जगह नहीं होगा क्योंकि मैंने पीछे जगह नहीं रखा है ना, तो मुझे तो मैनेज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप्रिशिएशन M3A, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,500। अच्छा जून का और भी एक डेप्रिशिएशन आएगा, उसके लिए एक लाइन जगह रख दो, एक मशीन और भी सोल्ड आउट है। ठीक है, इसके बाद ये 31 दिसंबर 2019 वाला लिखो, 31 दिसंबर 2019 बाई डेप्रिशिएशन M3B कितना हो जाएगा, 45,500। ठीक है, अभी अभी कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, 45,500 इस पे हम लोग मैक्स टू मैक्स डेप्रिशिएशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, अरे देखो यहाँ पर जैसे ये 2 लाख सोल्ड आउट नहीं हुआ था तो यहाँ आया था, 1,70,000 सोल्ड आउट हुआ तो यहाँ आया, 1,30,000 सोल्ड आउट नहीं हुआ था तो यहाँ आया, 90,000 सोल्ड आउट हुआ तो यहाँ आया। ठीक है, अच्छा और ये 9,10,000 जो है, ठीक है, 9,10,000 वाला जो है उसको कहाँ लिखोगे, उसको तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमारे पास चल रहा है, तो उसको कितने में लिखोगे, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट से शो होता है तो कैसे लिखेंगे, M3B बोल के कितना लिखेंगे, 9,10,000 क्लोजिंग वाला भी लिख लिया। ठीक है, 9,10,000 बोल के ये दिखेगा, नेक्स्ट ईयर फिर से ब्रॉट डाउन होगा, टोटल डिप्रिशिएशन तो दिख ही रहा है, M3B का टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो चुका है, ये देखो पहले हो चुका था 8,64,545, ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है इस साल। ठीक है, लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल कॉस्ट इसीलिए दिखाना पड़ा है बिकॉज ये डिस्कर्ड नहीं हुआ है, अगर डिस्कर्ड हो जाता तो यहाँ दिखता, ठीक है, डिस्कर्ड होता तो यहाँ दिखता, डिस्कर्ड नहीं हुआ, ये वाला डिस्कर्ड नहीं हुआ तो मेरे साथ साथ है ये वाला, ये देखो ये सब हमारे साथ साथ अकाउंट में चलते जाएगा जब तक ये डिस्कर्ड नहीं बोलेगा, और जो देखो सेल हुआ ये देखो ऐसे दिखता। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले पे चलते, ये हम लोगों ने कौन सा वाला कैलकुलेशन किया, 10 लाख वाला, ठीक है ये वाला। अब 7 लाख वाले पे चलते हैं, मतलब 2010 वाला। अच्छा इसका क्या बोल रखा है, देखो 2010 का एक वैल्यू था 2,40,000 जो कि 15,000 में सेल हुआ, तो एक 2,40,000 बाकी अमाउंट कितना होगा, टोटल वैल्यू 7 लाख का है, तो इस पे हम लोग अब वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर फोर। ठीक है, तो इसमें तुम लोग लिखो ओरिजिनल कॉस्ट M4, ठीक है M4 ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग का कितना है, 7 लाख, लिखो 7 लाख। अच्छा इसका तुम लोग दो पार्ट करोगे, एक हो जाएगा M4A और एक हो जाएगा M4B। ठीक है, अच्छा जो M4A है उसका कॉस्ट कितना है, 2,40,000, तो एक 2,40,000 तो 7 लाख से बाकी माइनस करो कितना होगा, 3,60,000 तो होगा ना, 3 2 5 4,60,000 होगा। ठीक है, 4,60,000 हो जाएगा।
अच्छा इसपे भी तुम लोग को करना है डेप्रिशिएशन को अलग, ठीक है। तो इसपे देखो अब तक टोटल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो तो मुझे क्वेश्चन देगा, मतलब अप टू 31 दिसंबर तक कितना चार्ज हुआ है, 5,95,000 क्वेश्चन दे रखा है, तो ये मैंने लिख दिया 5,95,000। अब तुम लोग को क्या करना है, एसेट के कॉस्ट के रेशियो के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो रेशियो क्या बन रहा है, 24:46, देख लो दोनों साइड से चार चार जीरो हटा दिया मैंने, ठीक है। तो 5,95,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, ये दोनों का ऐड करने से 70 होगा, ठीक है। और 5,95,000 इंटू 46 बाई 70 देखो कितना, कितना आ रहा है, 2,04,000। और दूसरा 3,91,000। अच्छा 2,04,000 और 3,91,000, ठीक है। अच्छा अब इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 2,04,000, और इसमें लग चुका है 3,91,000, ठीक है। अच्छा अब करो इसको माइनस, कितना होता है ये 36 हो रहा, और ये वाला 4,60,000 माइनस 3,91,000 ये हो गया 69,000, ठीक है। अच्छा इस पे और कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा, 30 जून 2019 तक का, सेम वही 6 मंथ्स का कंसेप्ट का, ठीक है। तो कितने पे लगेगा, 2,40,000 पे लगेगा, ठीक है। तो लगाओ 2,40,000 पे, चेक करके देखो कितना डिप्रिसिएशन होता है 6 मंथ्स के लिए, यहाँ पर करके देखते हैं। देखो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 10% था ना, कितना हो रहा है 12,000, ठीक है। अच्छा तो 12,000 हो रहा है, तो इसमें और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा फिर, 12,000 का लगाओ कितना बचेगा वैल्यू, 36 माइनस 12 24। अच्छा 24 बच रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको कितने में सोल्ड आउट हुआ, ये सोल्ड आउट हुआ था 24, ये सोल्ड आउट हो रहा है कितने में, 15,000, ये वाला है, ठीक है, 15,000 में हो रहा है, तो फिर लॉस हो रहा है ना, 24,000 का 15,000 में हो रहा है, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तुम लोग, 24 को ना हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 24,000, ठीक है। फिर यहाँ पर सेल, सेल हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है सेल हुआ है 15,000 से, तो इसमें हुआ है लॉस, बोलो कितने का लॉस हुआ, 9,000 का हो गया है लॉस, ठीक है। अच्छा और इसका भी साथ ही साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें कितना और डिप्रिसिएशन लगेगा, इसमें तो पूरे 1 ईयर का लगेगा, इसका नेक्स्ट कब तक का लगेगा, 31 दिसंबर 2019 तक का लगेगा, तो 4,60,000 पे लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे इंटू 10% इंटू 12/12, तो फिर कितना हो जाएगा, हाँ 46,000। क्या इसमें 46,000 लगाने के लिए अवेलेबिलिटी है, हाँ है, देखो 69 था, तो हम लोग 46 का डेप्रिसिएशन इस पे लगा सकते हैं, तो 46 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, बचता कितना है 23,000, उसको मैंने इधर, अच्छा चलो इधर लिख देते, 69 माइनस 46 23,000 हो गया, इसका कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसका हम लोग करेंगे पोस्टिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ करेंगे, तीनों ही अकाउंट में जाने वाला है। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट में हम लोग इसे ब्रॉट डाउन करेंगे कहाँ पर, एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में दो एसेट को दिखाएंगे, बस ये यही तक का डिफिकल्टी से, इसके बाद सिंगल सिंगल ही बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा M4A और इसके बाद हो जाएगा M4B। तो M4A का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने, 2,40,000, ठीक है, और जो M4B है बाकी बचा हुआ वैल्यू लिया जो हम लोग का आया 4,60,000, इसमें से कौन चला गया M4A, तो उसको पहले इधर पोस्ट करो, ठीक है, ये खाली करो इधर, बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल बोल के M4A कितने का है, 2,40,000 का है, ठीक है। अच्छा और ये जो 4,60,000 वाला है क्या ये हमारे साथ रह जाएगा, हाँ रह जाएगा, तो फिर इसको इधर लिखना पड़ेगा ना, बाय बैलेंस सीडी
एम फोर बी, इसको भी इधर लिख देते हैं साथ ही साथ, 4,60,000 वाला रह जाएगा, ठीक है, वो तो है हमारे साथ, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही दिखेगा ना, ये तो हम लोग का प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेथड, और ये चला जाएगा। अच्छा, ये एसेट डिस्पोजल का चलो क्रॉस पोस्टिंग करो, कहां पर करेंगे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल में करो, ठीक है, तो ये सेम डेट पे होगा। टू क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्या नाम क्या है इस एसेट का, एम फोर ए है ना, एम फोर ए है, ठीक है, तो एम फोर ए बोलो कितना हो रहा है, 2,40,000, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो इस पे टोटल डिप्रिशिएशन हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो 30th of June 19 में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, तो कितना कितना लिखेंगे, अप टू 18 तक का, और इस साल अगर कुछ अप्लाई हुआ है तो अप टू 18 तक का कितना था, यहाँ देखो, देखने से पता चलेगा 2,04,000, और न्यूली 12,000 गया, ठीक है, तो 2,04,000 प्लस 12,000 देखो कितना होता है, 2,16,000, हाँ 2,16,000 होगा, 2,16,000 हो गया प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, 2,16,000 हो गया। अच्छा, और इसमें हम लोग का लॉस था, ठीक है, तो लॉस का रिकॉर्डिंग करो, बाय पीएल बोल के आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑन सेल कितना आया था, लॉस 9,000, ठीक है, तो लॉस लिख दिया मैंने 9,000, लॉस ऑन सेल हो गया 9,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है, कहां करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में करना है, क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल 2,16,000, ठीक है, तो लिखो यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल एम फोर ए 2,16,000, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग यहाँ पर इसका भी वैल्यू को ब्रॉट डाउन करते हैं, एम थ्री बी तक लिखा था, ठीक है, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, एम फोर ए और एम फोर बी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अप टू 18 तक का जो भी डिप्रिशिएशन था, ठीक है, तो एम फोर ए का अप टू 18 तक का डिप्रिशिएशन कितना था, वर्किंग नोट ही बताएगा, वर्किंग नोट में देखो 2,04,000 और 3,91,000 जो हम लोगों ने बाइफर्केट करके निकाला था, वही बैलेंस हम लोग का इधर आना चाहिए, कितना कितना, 2,04,000 लिखो, 2,04,000 और कितना हो जाएगा, 3,91,000, ठीक है, 2,04,000 और 3,91,000 हो गया। M4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब जो है सिंपली होगा, क्योंकि इसके बाद कोई सेल नहीं है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कहां तक किया, 7,00,000 तक किया ना, ठीक है, अब 5,00,000, 17 और 18, देखो 17-18 का एसेट सोल्ड आउट नहीं हुआ है, तो इसका मुझे सीधा सीधा कैलकुलेशन लिखना है, ठीक है, तो इसका मतलब 17 में हम लोगों ने एक एसेट खरीदा था जिसका वैल्यू कितना था, 5,00,000, ठीक है, तो पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते, देख यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते, वर्किंग नोट नंबर 5 आ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 5,00,000। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे, सिर्फ एम 5 दे देंगे, क्योंकि इसमें तो ए बी करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मतलब अभी तक का जितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो कितना है, क्या क्वेश्चन हमें दिया है, दिया है, देखो कितना चार्ज हुआ है, 75,000, ठीक है। अच्छा, इसका कोई भी पोर्शन सोल्ड आउट नहीं हो रहा है, इसका बचा हुआ वैल्यू बन रहा है 4,25,000, ये कब तक का डिप्रिशिएशन है, 18 तक का। नेक्स्ट हमें कहां तक का देना है, 31 December 19 तक का डिप्रिशिएशन लगाएंगे। अच्छा, कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है तो 5,00,000 पे लगेगा, 10% इंटू 12/12। अच्छा, कितना हो रहा है बोलो, हाँ 50,000, तो कितना बैलेंस आएगा, 3,75,000, ठीक है, 3,75,000। अच्छा, इसका अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे, इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ जाएगा, ये कहाँ पर रखेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी में रखेंगे, ये कहां पर रखेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का बैलेंस दिखाएंगे, ये कहां पर दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में ये डेट लगा के इस बार का डिप्रिशिएशन दिखाएंगे, बस और तो कुछ नहीं करना है, ये तो बैलेंस यहां निकला है, हमें तो बैलेंस बाद में लिखेंगे, इसका यूज होगा, अभी तक तो हम बैलेंस नहीं कर रहे, तो चलो पहले ये सब लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट को यहां पर पुट करना है तुम लोग को सबसे पहले, ठीक है, यहां पर टू प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी ये इधर लिख दिया हम गलत, इसके आगे वाला है, ये वाला एम फाइव कितने का एसेट है, 5,00,000, ठीक है, 5,00,000 का एसेट।
अच्छा, क्या ये एसेट, देखो ये अकाउंट हमें क्या बताता है, कितने का एसेट था, क्या वो बिक गया, तो उसका पूरा कॉस्ट दिखा दो, तो नहीं बिका तो उसको इधर दिखा दो, तो क्या ये बिका है, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, ये बैलेंस में आ जाएगा, कितना हो गया 5 लाख, ये एसेट हमारे पास है, प्लांट एंड प्रोविजन करना चाहते तो एसेट और बैलेंस लिखिए। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन अकाउंट में जाते हैं और इसका अब तक का डेप्रिसिएशन लिखेंगे और करंट डेप्रिसिएशन जो चार्ज की वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 लाख का एसेट हमारे पास था ओरिजिनली और अभी भी हमारे पास 5 लाख का एसेट है, ठीक है। अच्छा इसका अब तक का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका था, बोलो 18 तक का, देखो वो तो मुझे क्वेश्चन ही बताया होगा, बोलो कितना था, 75,000। करेंटली हम लोगों ने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, करना तो पड़ेगा, करेंटली हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, कितना किया बोलो, बाय डेप्रिसिएशन, हाँ तो यहाँ पर लिखो बाय डेप्रिसिएशन 50,000, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन ये हम लोग का हो गया 50,000। अच्छा अच्छा मुझे लगता है हम लोगों ने M4 का डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, M4B का, अच्छा ये लिख लो फिर हम बताते हैं, इसका तो और कहीं नहीं जाएगा, ये लास्ट होगा, M4B का शायद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। देखो अभी अभी हम लोगों ने जो M4B को कंप्लीट किया ना, ये देखो M4 का ये जो 12,000 का डेप्रिसिएशन है वो तो लिखा, 46,000 लिखा है हम लोगों ने, नहीं लिखा ना उसको लिखो, 46,000 भी तो लिखना पड़ेगा, मतलब कौन सा वाला बोल रहा है, M4 का एक बार जाओ, मेरे से छूट गया, ये देखो M4B का ये तो लिख लिया बैलेंस में 3,91,000, चेक करो ये बैलेंस में जाएगा ना, ये बैलेंस में चला गया है 3,91,000 ये लिखा था, लेकिन करेंटली इस पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1 ईयर का, ये देखो 46,000 है ना, ये देखो 46,000, उसको मैंने नोट डाउन नहीं करवाया, उसको लिखवाया नहीं, देखो उसको तो लिखना पड़ेगा, कौन से डेट पे लिखेंगे, इसी वाले पे 31st December, यहाँ पर लिख देते हैं 19। अच्छा इसके ऊपर लिखे या इसके नीचे लिखे, एक काम करते हैं इसके नीचे ही लिखते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन होने से ही बेटर हो, देखते हैं कितना जगह मिलता है, बाय डेप्रिसिएशन M4B, ठीक है, M4B कितना लिखना पड़ेगा, 46,000, ठीक है, उसके बाद M5 आना चाहिए, तुम लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, अभी छोड़ दो बेसी इसको, ये करने का जरूरत, पता चल रहा है ये M4B है, ये हम लोग का M5 है, ये 46,000 इधर आना चाहिए, ठीक है, और इसका भी डिप्रिसिएशन हम लोगों ने नहीं लिखा था, जो देखो 6 मंथ्स का चार्ज हुआ था ना 12,000, ये भी नहीं लिखा था यहाँ पर, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये देखो यहाँ ये हम लोगों ने लिखा था, कहां पर लिखा था, ऐसे डिस्पोजल में लिखा था, बट यहाँ पर नहीं लिखा था, ठीक है, तो M4B ये रह गया था, कितना था 12,000, मतलब हम बताते हैं कौन सा नहीं लिखा, ये देखो ये 12,000 हम लोगों ने नहीं नोट डाउन किया था ना डेप्रिसिएशन में, तो ये भी तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तक कौन सा डेप्रिसिएशन है, 31st December 2018 तक का, और 30th June 2019 में सोल्ड आउट होने से, ये देखो ये 6 मंथ्स का, और बाकी पोर्शन का ये कौन सा है, बाकी पोर्शन का पूरे पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो रहा है ना, कौन सा बोला तू, 12,000 का M4A होगा, है ठीक, 12,000 का M4A होगा, ठीक है, A वाला सोल्ड आउट है ना, B वाला नीचे लिखा है, देखो जो सोल्ड आउट हुआ उसके 6 मंथ्स का, और जो रह गया उसपे पूरे 12 मंथ्स का, सेम M3A के लिए भी हुआ था 6 मंथ्स का, ठीक है, और M3B का पोर्शन हमारा पूरा डिस्कट हो गया था, इसलिए उसपे नहीं करना पड़ा, ये मैंने सिर्फ नहीं लिखा था, लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग ये वाला लिख लिए, ये वाला लिख लिए हम लोगों ने, 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट दिखा दिया, देखते हैं एक बार चेक कर लेते लिखा है कि नहीं, इतना सारा डेटा है, 5 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट लिख लिया, ये पड़ा हुआ है हमारे पास एसेट, इस पे टोटल डिप्रिसिएशन लिख लिया है 75,000, और अभी तक का कितना है 50,000, ये तो सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो इस पे और कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन से वाले पे जाएंगे, कौन से वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट नंबर 6, लास्ट वर्किंग नोट M6, ठीक है। अच्छा M6 मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, 3 लाख है ना, 18 वाला, 5 लाख कर लिया तो हम लोगों ने, देखते हैं, हाँ 5 लाख हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 3 लाख वाला ऐसे, ठीक है, ये है 3 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब इस पे अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है 31st December 2018 तक, वो तो मुझे क्वेश्चन ही बताएगा, देखो कितना लग चुका है 15,000, ठीक है। अच्छा तो माइनस करके बोलो कितना वैल्यू बचता है, 2,85,000,
ठीक है 2,85,000। अच्छा अब इस पे फर्दर कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा, फिर से 31 December 2019 तक का पूरे वन ईयर का लगेगा, कितने पे लगेगा, 3 लाख पे लगेगा, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इंटू 10% इंटू 12/12, बोलो कितना होता है, 30,000 लगाओ, 30,000 का डिप्रिशिएशन और माइनस करके देखो कितना बचता है, 2,55,000। अच्छा अब इसको भी हमें अकाउंट में पोस्ट करना है, ये कौन से अकाउंट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाएगा, ये कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का बैलेंस में जाएगा, बाय बैलेंस बीडी में, और ये कहां पर जाएगा, 31 December 2019 में बाय डिप्रिशिएशन बोल के प्रोविजन अकाउंट में ही आएगा, यही हमें दिखाना है। ठीक है तो अब तुम लोग लिखो, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाना है और वहां पर लिखना है तुम लोगों को टू बैलेंस बीडी, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा M6, ठीक है M6 बोल के लिखना है 3 लाख। अच्छा ये एसेट तो हम लोग सोल्ड आउट नहीं कर रहे, तो ये एसेट हम लोग के पास रह जाएगा। ठीक है तो कितने वैल्यू में रहेगा, ऑब्वियसली ये ओरिजिनल कॉस्ट वाला क्वेश्चन है तो हम लोग का ये ओरिजिनल कॉस्ट में ही शो करेगा, कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है अच्छा अब इसका डिप्रिशिएशन का बैलेंस बताओ कितना है M6 का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 या ऐसा कुछ था, देखो बोलो कितना था, 15,000 तो लिखो 15,000। ठीक है अच्छा करेंटली जो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ M6 पे वो कितना हुआ, बोलो अभी तो लिखो 30,000, तो लिखो 30,000 हो गया, बस इसमें तो और कुछ नहीं करना है, 30,000 डिप्रिशिएशन लगा दिया, उसका बैलेंस लिख दिया और ये भी हो गया। अच्छा अब और एक मशीन देखो, ये ऐसे तो ये लास्ट होने का है, लेकिन एक एसेट इन्होंने खरीदा था, कब खरीदा था 19 को, ठीक है 2019 को खरीदा था, कितने से, 15 लाख से। अच्छा तो इसका पहले वर्किंग नोट करेंगे फिर सारे जगह पे इसको लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 15 लाख। अच्छा हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्वेश्चन के तरफ से कि जब भी एसेट सोल्ड परचेज हो हम लोग 30 जून मानेंगे, मतलब इसका परचेज डेट कौन सा है, क्योंकि ये न्यूली परचेज है तो 30 जून 2019 मानेंगे हम लोग, ये कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है कि हम लोग इसको एक तारीख माने, ये इसी साल खरीदा गया, खरीदने का डेट हमेशा 30 जून मानना है। तो डिप्रिशिएशन लगेगा कब तक का लगेगा, 31 December 2019 तक का लगेगा, कितने मंथ्स का हो जाएगा फिर, 6 मंथ्स का कितना डिप्रिशिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट में, 15 लाख इंटू 6/12 इंटू 10%, बोलो कितना होता है, 75,000। बैलेंस कितना बचेगा, देखो ठीक हुआ है 75,000 प्लस 1325, नहीं गलत हुआ है ना, 14, हाँ ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इसको कहाँ दिखाना है, प्लांट एंड मशीनरी में, इसको कहाँ दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का बैलेंस में ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नया परचेज हुआ है तो इस पे करंट डिप्रिशिएशन लगेगा, सिंपल प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में बाय डिप्रिशिएशन बोल के ये अमाउंट को लिख दो। ठीक है तो पहले तो लिखेंगे जो ओरिजिन, मतलब प्लांट मशीनरी अकाउंट है वहां पर ओरिजिनल कॉस्ट में इसको शो करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा, इसको टू बैंक लिखना पड़ेगा, उसको टू बैलेंस बीडी के नीचे मत लिख देना, ठीक है क्योंकि टू बैलेंस बीडी तो हो नहीं रहा है ना, ये हम लोगों ने नया परचेज किया, यहाँ पर लिखोगे 30 जून 2019 और यहाँ पर लिखोगे टू बैंक और परचेज बोल के लिखना पड़ेगा 15 लाख। ठीक है क्या ये एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी M7, इसका तुम लोग नाम दे दो M7 क्योंकि सारे एसेट का नाम इस तरीके से दिया हुआ है हम लोग का, तो ये हो गया 15 लाख। ठीक है अच्छा अब क्या करना है, क्योंकि इस पे हम लोगों ने डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लिया है तो अब इसका डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा। अच्छा कहाँ दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में जाना है, 31 December को दिखाना है बाय डिप्रिशिएशन बोल के M7। ठीक है बाय डिप्रिशिएशन बोल के, चलो मेरा जगह थोड़ा सा कम होगा, चलो बाय डिप्रिशिएशन M7 बोल के 75,000 हुआ ना, 75,000 आया। ठीक है अच्छा अब क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है, ठीक है अकाउंट को क्लोज कर देना है, सभी लिख लिया है हम लोगों ने। अच्छा कैसे क्लोज होगा, देखो ये सबको टोटल करने से तुम लोग को कितना मिलेगा पता है, ये सबको टोटल करने से 30 लाख मिलेगा, क्योंकि इसी को तो हम लोगों ने अलग अलग किया है, चेक करके देख सकते हो, जैसे देखो 2 लाख, ठीक है ये 2 लाख है, ठीक है 1,70,000 और 1,30,000 कितने का टोटल था, 3 लाख का, ये दोनों मिला के कितना था, 10 लाख था, ये दोनों मिला के कितना था, 7 लाख था, उसी को तो हम लोगों ने बाइफर्केट किया, ये 5 लाख था, ये 3 लाख था। ठीक है
तो 5 और 3 तो अब टोटल लगाओ 7 और 3 कितना हो गया 10 10 20 20 और यहां पर 5 और ये 3 और तो 5 5 5 10 20 और 10 कितना हो गया 30 लाख वो तो होगा ही क्योंकि हम लोगों ने उसी को तो अलग-अलग करके लिखा है हमारे कैलकुलेशन के सुविधा के लिए ठीक है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 30 लाख तो हम लोग के पास टोटल 30 लाख का एसेट था और हम लोगों ने करेंटली कितने का एसेट परचेस किया था 15 लाख तो ओरिजिनल कॉस्ट अगर देखें तो कितने का एसेट था 45 लाख अब उसमें से कितने का एसेट सोल्ड आउट किया तुम लोग यहां पर खुद देखो देखो कितने का एसेट सोल्ड आउट हुआ 170 90 और 2 लाख 40 टोटल लगाओ तो कितना होता है 170 90 और 2 लाख 40 टोटल लगाओ कितना होता है जो बाई बैलेंस सीडी दिख रहा है और ये टोटल करके कितना आना चाहिए तो इधर मेरा जगह है तो लिख रहे अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो मत लिखो ठीक है कोई बात नहीं अगर जगह ठीक है कोई बात नहीं मत लिखो अगर जगह नहीं है और एक ही बात है इसको ऐड करके भी तुम लोग का बैलेंस कुछ नहीं आएगा बैलेंस तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं बैलेंस तो आएगा नहीं इसका टोटल करने से कितना आना चाहिए 40 लाख आना चाहिए ठीक है और टोटल करके 45 लाख आना चाहिए तुम लोग का अगर जगह नहीं कोई बात नहीं तुम लोग सारे एसेट का वैल्यू को टोटल करके देख लो कि 45 लाख आ रहा है कि नहीं तो ये देखो 2 लाख 1 लाख 30 कितना होता है 3 लाख 30 3 लाख 30 9 लाख 10 देखो 3 लाख 30 9 लाख 10 प्लस 4 लाख 60 प्लस 5 और 3 8 लाख और 15 लाख देखो 40 लाख आ गया ठीक है 40 लाख आ गया तो ये तो वैसे भी होगा देखो ये है चेक करने का तरीका कि मेरा 30 और 15 था उसमें से मेरा अगर इतना 5 लाख का सेल हो गया क्वेश्चन देख के तो पता चल रहा है तो मेरा बैलेंस कितना दिखेगा 40 लाख दिखेगा ठीक है मेरा बैलेंस कितना दिखेगा 40 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट का दिखेगा जिसमें से देखो ये तो पूरा बेकार हो चुका था 2 लाख का एसेट क्योंकि इसमें पूरा डिप्रिसिएशन चार्ट था ये आगे डिप्रिशिएट होगा ही नहीं बचे हुए कुछ एसेट ही है जो हम लोग यूज कर सकते हैं मतलब इन्होंने जो एसेट का वैल्यू जीरो हो गया उसको भी रख रखा है तो टोटल कितने का एसेट अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है 40 लाख का ये अकाउंट बंद हो गया ठीक है अच्छा अब ये वाले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में आते हैं तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है डिप्रिसिएशन का बैलेंस ठीक है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ये टोटल कितना होना चाहिए पता है 21,35,000 ठीक है चेक करके देखो 21,35,000 आ रहा है कि नहीं चेक करो 2 लाख 1 लाख 70 130 85,500 864,500 204 391 75 और 50 21,35,000 अगर जगह नहीं है जरूरी नहीं है कि आउटर में लिखना पड़ेगा ठीक है ये देखो कितना है 21,35,000 ये तो होगा क्योंकि ये तो मुझे टोटल बैलेंस दिया था अब इसमें से जो एसेट बिक गया उसका डिप्रिसिएशन खाली हो गया देखो तीन एसेट ही बिका था ये देखो ना तीन एसेट का ही तो डिटेल्स दिया 170 में 90 में और 240 में ये तीन एसेट बिका था तो ये तीन एसेट पे अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन हम लोगों ने डिस्कट कर दिया ठीक है डिस्कट कर दिया और इन बाकी बचे हुए एसेट पे जो डिप्रिसिएशन लगा वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अच्छा तो अब यहाँ पर जो बैलेंस दिखेगा किधर दिखेगा इधर दिखेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिखेगा वो बैलेंस दिखेगा जो एसेट हमारे पास बचा हुआ है उसका टोटल डिप्रिसिएशन दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर तुम लोग करो इसका टोटल और देखो कितना आ रहा है कैसे करके देखेंगे देखो ऐसे लिखना पड़ेगा इसका टोटल लगाओगे इसका टोटल लगाओ तो इधर मतलब इधर का पूरा टोटल करके मुझे बताओ ये 21,35,000 तो और बाकी ये सब टोटल कर लो देखो कितना 21,35,000 प्लस हो जाएगा 4,500 प्लस 12,000 प्लस 45,500 हम इधर का पूरा टोटल कर रहे हैं 50,000 प्लस 46,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 23,98,000 ठीक है ये टोटल करने से आ रहा है 23,98,000 ठीक है ये मेरा पूरा इधर का लेजर का टोटल आया ठीक है तो इधर भी कितना आना चाहिए
23,98,000, लेकिन इसको कैसे क्लोज करेंगे? क्या एक बैलेंस लिख के क्लोज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे पास तो हम लोगों ने सारे एसेट को अलग अलग दिखाया. अब करना क्या है, यहाँ पर बैलेंस दिखाना है. तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा एसेट हम लोग के पास बचा हुआ है, उसी का डेप्रिशिएशन पूरा दिखाएंगे. वो कैसे पता करोगे? सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आ जाओ. ठीक है, मशीन वन हमारे पास बचा हुआ है. ठीक है, मशीन वन का अब तक का टोटल डेप्रिशिएशन कितना है, कैसे दिखेगा? यहाँ दिखेगा कितना है, 2 लाख. फर्दर इस पे डेप्रिशिएशन लगा था? नहीं लगा था. तो इस पे ये देखो ना, यहाँ कोई एम वन दिख रहा है तुम लोग? नहीं. तो इस पे टोटल डेप्रिशिएशन कितना कैरी होगा? 2 लाख ही कैरी होगा. तो यहाँ पर लिखोगे, सॉरी, टू साइड में टू लिखो, टू बैलेंस सी डी. ठीक है, क्या लिखना है? एम वन कितना लिखोगे? 2 लाख. ठीक है, जो एसेट बचा हुआ है उसी का तो डेप्रिशिएशन रिकॉर्ड करेंगे. तो ये हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरीके से लिखते जाना है, टू बैलेंस बोल के. ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पर चेक करो कौन सा एसेट बचा हुआ है. एम टू बी, तो उसका डिप्रिशिएशन दिखाएंगे. तो एम टू बी का डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो एम टू बी का अब तक का डिप्रिशिएशन कितना है? 1,30,000. करेंटली कोई डिप्रिशिएशन लगा है? चेक करो. नहीं, नहीं लगा था, क्योंकि उस पर डेप्रिशिएशन लगने लायक कुछ बचा नहीं था. अगर तुम लोग देखोगे अपना वर्किंग नोट ना, ये देखो एम टू बी का वर्किंग नोट देखोगे, ये देखो जीरो हो गया था. तो इस पे ओवरऑल कितना डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं, मतलब टोटल कितना कैरी होगा इसमें? 1,30,000. इससे ज्यादा इस पे और कुछ नहीं आने वाला. ठीक है, टू बैलेंस सी डी. अच्छा, और हम लोगों के पास कौन सा एसेट बचा हुआ है? एम थ्री बी. चलो लिखो एम थ्री बी, और उस पर डेप्रिशिएशन चेक करो. एम थ्री बी पे टोटल डेप्रिशिएशन जो है वही तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा. तो एम थ्री बी पे डेप्रिशिएशन कितना था पहले? 8,64,500. क्या करंट ईयर में कोई डेप्रिशिएशन लगा था? यहाँ चेक करेंगे एम थ्री बी. हाँ, 45,500. दोनों का टोटल करो, टोटल करके लिखना पड़ेगा टोटल जो डेप्रिशिएशन कैरी होगा. तो 8,64,500 प्लस 45,500, बोलो कितना हो रहा है? 9,10,000. टोटल 9,10,000 का डेप्रिशिएशन होगा. अच्छा, फिर से टू बैलेंस सीडी. अब फिर से जाओ प्लांट मशीनरी अकाउंट में, देखो कौन सा एसेट है हम लोग के पास. एम फोर बी. ठीक है, एम फोर बी को यहाँ पर लिखो. इसका पूरा डेप्रिशिएशन हमें दिखाना है. अच्छा, इस पे कितना डेप्रिशिएशन लगा था? पहले कितना लग चुका था? 18 तक 2,04,000. ठीक है, क्या करेंटली कोई डेप्रिशिएशन लगा है? चेक करो एम फोर बी बोल के करेंटली कोई डेप्रिशिएशन लगा है? लगा है 46,000. तो टोटल लगाओ कितना होगा? अच्छा, ये क्या भूल लिख दिलाम, ये 3,91,000 होगा ना. अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने, 3,91,000 है. मैंने ये वाला ऊपर वाला लिख दिया था शायद किसी वजह से, 3,91,000 है. चलो टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 4 लाख समथिंग आएगा. हाँ, 4,37,000. ठीक है, 4,37,000. अच्छा, नेक्स्ट टू बैलेंस सीडी देखते हैं. एम फोर बी के बाद M5 जो एसेट है वो भी हमारे पास है. तो M5 का क्या पहले से कोई डेप्रिशिएशन लगा हुआ था? लगा हुआ था. कितना? 75,000. क्या करेंटली कोई इस पे डेप्रिशिएशन लगा है M5 का? 50,000. तो 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 1,25,000. ठीक है, 1,25,000. अच्छा, टू बैलेंस सीडी फिर से लिखो. M5 के बाद कौन सा आ रहा है? M6 है और एक बाकी है. अच्छा, M6 का पहले 18 तक डेप्रिशिएशन लग चुका था. कितना? 15,000. और करेंटली M6 पे कितना लगा है? 30,000. तो टोटल करो कितना हो गया? 45,000. ठीक है, और लास्ट M7. ठीक है. अच्छा, M7 पे पहले कोई डिप्रिशिएशन नहीं था, पूरा नया मशीन है. कितना डिप्रिशिएशन है? टोटल 75. तो इधर 75 लिख दो. ठीक है, अब क्या करना है, इधर तुम लोग को देखना है 23,98,000 आ रहा है कि नहीं. टोटल करके हो जाएगा. इधर भी 23 लाख अगर 98 आ रहा है तो टोटल हो जाएगा. हम लोग तो बैलेंस करके लिख नहीं सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन है. तो मैंने बैलेंस लिखवा दिया. अब तुम लोग को इधर मैच करना है कि 23,98,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इधर डेबिट साइड भी टोटल करके दे. 170 + 90 + 216 + 2 लाख और 1,30,000, मतलब 330 प्लस 9,10,000 437 125 45 और 75
23,98,000 हाँ आ तो रहा है 23,98,000 मैच हो गया ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग का क्लोज हो गया। तो इसमें लिखना क्या होता है, जितना पहले से प्रोविजन है वो लिखेंगे, करेंटली जो एसेट सोल्ड आउट हो गया उसका वैल्यू को डिस्कट कर देंगे, करेंट जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो दिखाना पड़ेगा, और बाकी जो एसेट बिका नहीं उसका बचा हुआ डेप्रिसिएशन हो गया। अब चलो प्रोविजन सॉरी एसेट डिस्पोजल वाले में, एसेट डिस्पोजल को क्लोज करेंगे। तो एसेट डिस्पोजल में कभी बैलेंस नहीं आता है, अगर सारी चीज सही लिखे हुए हैं दोनों साइड टोटल करने से टैली हो जाता है। तो देखो टैली हो रहा है कि नहीं, टोटल लगाओ दोनों साइड और देखो कितना टोटल निकल के आ रहा है। 170,90,240 और 5,05,000 और 170,90,216 और 9,000 नहीं टैली तो नहीं हो रहा है, कुछ तो बच गया है। 20,000 क्या नहीं लिखा मैंने, 170,90,216 और ये 19,000। अच्छा बाई बैंक का एक एंट्री नहीं किया, तो मैंने बाई बैंक का तो कोई भी एंट्री नहीं किया, सॉरी वो गलत हो गया ना। देखो एसेट सोल्ड आउट हुआ, मैंने प्रॉफिट लॉस तो दिखाया, बाई बैंक तो नहीं लिखा। नहीं समझ में आया तुम लोग को, बाई बैंक कहाँ लिखा है, मतलब एसेट सोल्ड करके दो एसेट का तो पैसा मिला था ना, ये देखो दो एसेट पे तो पैसा मिला था, एक पे कितना मिला 5,000, एक पे कितना मिला 15,000 और 5 कितना होता है 20, वही मेरा कम दिख रहा है, वो मैंने लिखा नहीं, भूल गए ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे ही लिख देते जून को ही तो होगा, ऐसे लिख देते बाई बैंक। हाँ बस ये करना है कि हमें मशीन का नाम दिखाना पड़ेगा, कौन सा एसेट हम लोग बेच रहे हैं ठीक है। बाई बैंक बोल के कौन सा बेचे थे बोलो तो, यहाँ पर 5,000 से बेचे थे, ये 90,000 मतलब 2009 वाला इसका नाम क्या दिए थे, M3 है ये, M3A दिए होंगे, देख लेते M3A ठीक है। तो M3A लिखो, M3A 5,000 ठीक है, और एक था M कितना नंबर होगा वो वाला, कौन सा बेचा था देखते हैं इनको, ये हम लोग का 15,000 वाला, हाँ M4A होगा क्योंकि मैंने जो सेल किया उसी को A नाम दिया है, तो M4A होगा कितना 15,000। बाई बैंक का एंट्री नहीं लिखा था इसीलिए देखो पता भी चल गया कि 20,000 का गैप आ रहा है, कौन सा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बाई बैंक लिखा कहाँ था, अभी तक सेल प्रोसीड्स का एंट्री प्रॉफिट लॉस दिखा दिया बट बाई बैंक नहीं लिखा, तो ये यहाँ पर 20,000 से ही कम हो रहा था, तो ये लिख देते हैं 5,05,000 मैच हो गया, बस 20,000 से ही तो हमारा मिसमैच हो रहा था ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, सर कैलकुलेशंस तो कुछ है नहीं ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन काफी बड़ा है अगर देखो तो, मेरे हिसाब से ये 10 मार्क्स के लिए काफी बड़ा है ठीक है, फिर भी है तो मैंने करवा दिया। अगर मान लो इतना सारा नहीं दिया, दो या तीन मशीन देके तो दे सकता है ना, तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कर सकते हो, जरूरी नहीं है इतना सारा। पूरा चीज एक ही जैसा देगा, मान लो दो या तीन मशीन से दे दिया फिर भी तो ऐसे फॉलो करना पड़ेगा ना कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसपे तो यूज करना ही पड़ेगा। बाकी देखो हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, अकाउंट एक बार देखा फिर बोला है कि इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट का मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड, क्योंकि मार्केट में एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सही है ये फॉल्स है, मार्केट वैल्यू के साथ तो डेप्रिसिएशन का कोई लिंक नहीं। मार्केट में एसेट का वैल्यू कम हो या ज्यादा हो
वो अलग चीज था, वो जो सोच रहे हो रिवैल्यूएशन वो तो फेयर वैल्यू के साथ एड पर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू के साथ थोड़ी ना डिप्रिसिएशन का कुछ है। मैंने अगर ये चीज 1000 रुपए का खरीदा है तो हम 1000 के हिसाब से मेरे हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाएंगे, अगर ये कल 1500 का हो जाता है तो उसके साथ तो मेरे डिप्रिसिएशन का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हाँ, हम अपने एसेट का वैल्यू फेयर वैल्यू दिखाने के लिए एसेट को रिवैल्यू कर सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होता है एसेट का, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते क्योंकि एसेट को हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका जो है वो कम होता है, उसका वैल्यू कम होता है। अब यूज करने से भी होता है, और भी मैंने बोला है अगर बिना यूज किए पैकेट करके भी रख देते हो पूरा पूरा, ठीक है, पैकेजिंग करके एज इट इज रख दिया तो भी नया एसेट भी क्या हो जाता है, पुराना ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज ए कैश एक्सपेंडिचर लाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंस, ये क्या है, नॉन कैश, ठीक है। ये क्या होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग डे पे ही बताया था, तुम लोग अगर लिखते हो तो हम जो लिखाते हैं याद रखना, नॉन कैश आइटम मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि इसको हम लोग किसी को पे थोड़ी ना करते, हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन का पैसा इसको दे दिया, ऐसा तो नहीं बोलते, सैलरी का पैसा पे करते, रेंट का पे करते, इलेक्ट्रिसिटी का पे करते, लेकिन डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को नहीं पे करना। अब बोल रहा है देखो, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब वही फिक्स्ड एसेट जिसको पीपीई बोलते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंक्लूड क्या क्या होता है, परचेज प्राइस, मतलब अगर मुझे मेरे फिक्स्ड एसेट का, ये पूरे चीज का मतलब ही होता है फिक्स्ड एसेट, अगर मुझे मेरे फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट मतलब कितने का पड़ा, वो हम लोगों ने जो खरीदा कितने का पड़ा, तो उसमें परचेस प्राइस आता है, रिफंडेबल टैक्सेस आता है, एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आता है, आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट और रिबेट, बोल रहा है कोई डिस्काउंट या रिबेट मिलने से वो माइनस कर देते हैं परचेस प्राइस में, रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड करते हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज को ऐड करते हैं, बोलो सही है कि गलत, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक सेंस लगाओ, बोल पाओ, देखने में तो मतलब मेरे से एक बार टैक्स लिया है लेकिन बाद में मुझे वापस कर देगा तो क्या वो मुझे ऐड करना चाहिए, नहीं, नॉर्मली टैक्स मेरा ऐड होता है, मान लो मैंने ये लैपटॉप खरीदा तो इसमें मुझे तो टैक्स तो देना पड़ा है, ठीक है। अब मान लो अगर कोई चीज बाहर से आ रहा है तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है तो वो भी तो मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। अब मान लो मुझे कोई रिबेट डिस्काउंट मिला तो वो हम लोग लेस कर देते, मान लो इस लैपटॉप में मुझे डिस्काउंट मिला तो वो लेस हो जाएगा, मैंने कोई टैक्स दिया तो वो ऐड होगा, लेकिन अगर टैक्स मेरा रिफंडेबल है तो वो कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर टैक्स रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होता है, ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होता है, जैसे इसको खरीदने में मेरा जो टैक्स लगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो मुझे कोई रिफंड नहीं करने वाला, ठीक है। अगर रिफंडेबल टैक्स है वो ऐड नहीं होना चाहिए, इसी कारण से, सिर्फ ये वाले लाइन के कारण से ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सारे कारण से ये ठीक है। अगर मैंने एसेट को परचेस किया उसमें परचेस प्राइस सबसे पहले आता है, फिर हम लोग उसमें से क्या लेस करते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर हम लोगों को मिला तो वो लेस करते हैं, फिर हमारे पास आता है नेट परचेस प्राइस, ठीक है। फिर हम लोग उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब ऐड होता है, कैरेज, ये सब ऐड होता है। लेकिन अगर मेरा टैक्स कैसा है, अगर ये रिफंडेबल बोल दिया इसी वजह से ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट मेरा बाकी सारे रीजन से ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर का देखो, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड ऑल्सो इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी सच एज इनॉग्यूरेशन कॉस्ट, मतलब बोल रहा है कि हम लोगों ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, अब उसको कहाँ लगाया होगा, ठीक है, जैसे मान लो नया फैक्ट्री है, हाँ ये फॉल्स होगा, देखो नया फैक्ट्री है ये सब में लगा दिया, अब मान लो उस फैक्ट्री का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इनॉग्यूरेशन करना, तो उसका तो एक खर्चा होगा, एक मतलब लोगों को बुलाओगे, वो जो है डेकोरेशन करोगे, कुछ उन लोगों को नाश्ता करवाओगे, ठीक है, तो उसका तो एक खर्चा होगा, तो क्या वो खर्चा हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये बोल रहा है, बोलो नहीं, वो क्यों ऐड करेंगे, वो तो मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। अगर हम अपना नया बिजनेस का इनॉग्यूरेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम फंक्शन कर रहे हैं, इससे मेरा मार्केटिंग होता है, लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक बिजनेस आया है, लेकिन ये थोड़ी ना फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन नॉन, মেশিনটা যেখানে লাগিয়েছো ওখানে ইনগুরেশন করছে, তো আলাদা জিনিস।
अच्छा देखो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज विद अ कांस्टेंट अमाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. हाँ बात तो सही है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, कांस्टेंट अमाउंट पे चार्ज होता है. एंड चार्ज विद अ कांस्टेंट परसेंटेज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या हम लोग कॉन्स्टेंट परसेंटेज से चार्ज करते हैं? बिल्कुल सही है. देखो जैसे डिमिनिशिंग में बता दिया 10%, तो 10% करके ही चार्ज होते जाता है. जब तक कंपनी चेंज नहीं करेगा तब तक तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. चेंज हो सकता है, हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था ना चेंज इन मेथड, चेंज हो सकता है. लेकिन कब चेंज होता है? अगर एएस का रिक्वायरमेंट है या फिर हमें एज पर लॉ कंप्लायंस विद लॉ होना है तो होता है, नहीं तो चेंज नहीं होता है. तो SLM में सेम अमाउंट और WDV में सेम परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं. ठीक है, तो ये ट्रू हो गया. इन केस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब वही फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट को हम लोगों ने क्या किया, रिवैल्यूड किया. होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बीइंग रिवैल्यूड बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड. ये पॉइंट तुम लोग को मैंने बताया नहीं है, तो देखो हम बता देते हैं. होल क्लास ऑफ एसेट का मतलब, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारा बिल्डिंग हो सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, और भी कुछ बिल्डिंग हो सकता है. तो बिल्डिंग क्या हो गया, सेम क्लास ऑफ एसेट. ठीक है, सेम क्लास ऑफ एसेट. तो बोल रहा है कि अगर हम लोग रिवैल्यू करना चाहते हैं तो क्या सभी क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू करना पड़ता है? हाँ, AS 10 में हमें बोला है, रूल्स ये है कि अगर रिवैल्यू करना है, मान लो फर्नीचर रिवैल्यू करना है, तो सारे फर्नीचर को रिवैल्यू करना पड़ेगा, कोई भी फर्नीचर को हम लोग नहीं रख सकते. लाइक वो फैक्ट्री वाला हो, चाहे वो ऑफिस वाला हो, चाहे वो कहीं का भी हो. ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, मतलब क्लास, मतलब क्लास, जैसे मान लो क्लास होता है ना, जैसे क्लास 1, 2, 3 ऐसा होता है ना, तो क्लास में अगर क्लास 1 का एग्जाम चल रहा है मतलब सभी बच्चों का चल रहा होगा. तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग किसी क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू करना चाहते हैं तो सभी उस क्लास के अंदर जितने भी एसेट आते हैं सभी को हमें क्या करना है, रिवैल्यू करना है. फर्नीचर का कंबाइंड भी जितने हमारा बोलिंग फर्नीचर भी एक्टा फर्नीचर रेट बाल एक्टा कम लेगा तो हम না একটা বাড়লো একটা কমলো ওরকম নয়. যেমন তোমার অফিসে একটা ফার্নিচার আছে, তোমার ফ্যাক্টরিতে তুমি ফ্যাক্টরি ফার্নিচারকে রিভ্যালু করতে চাইছো, তো তুমি অফিসে এটা চাইছো না, কিন্তু ওরকম বললে হবে. সেম ক্লাস অফ অ্যাসেট মানে দুটোতে টাইপ অফ অ্যাসেট তো ক্যাটাগরি হয় ক্লাস, উসি কো বলতে ক্লাস. ঠিক আছে, ক্লাস অফ অ্যাসেট টু হুইচ দা অ্যাসেট বিং রিভ্যালুড বিলং শুড বি রিভ্যালুড. अगर सेम क्लास में बिलोंग करता है, वही मैंने बोला ना, अगर मैंने क्लास 5 के बच्चों का टेस्ट लिया तो 5 के बच्चों का टेस्ट मतलब सभी का. ठीक है, किसी को तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, सभी को मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा. वैसे अगर क्लास ऑफ एसेट है तो सभी एसेट का रिवैल्यूएशन होगा. तो ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो बोला है ट्रू. अच्छा आप देखो क्या बोल रहा है, इन केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिक्रीज. कैरिंग अमाउंट का मतलब बचा हुआ वैल्यू. ठीक है, जैसे एक एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा, फिर जो बचे हुए वैल्यू को बुक वैल्यू बोल सकते हो, कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हो. कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट को कम कर दिया. ठीक है, कैसे, रिवैल्यूएशन करके. मतलब कैसा रिवैल्यूएशन किया होगा, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन क्या होगा, अगर मैंने अपने एसेट के वैल्यू को डिक्रीज किया तो रिवैल्यूएशन तो दो तरीके का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया. सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएल अकाउंट. बोल रहा है कि जब हम लोग एसेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या ऑलवेज पीएल में ही डेबिट होगा? बोलो क्या होगा फिर. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में आता था डेप्रिसिएशन ना, रिवैल्यूएशन तो आगे दिन ही पड़ल हम डेप्रिसिएशन कर এত কিছু রিভ্যালুশনের ব্যাপারে পড়ালাম, ডেপ্রিসিয়েশন হয় কখন, রিভ্যালুশনের মানে বোঝালাম কখন রিভ্যালুশন করতে হয় ফেয়ার ভ্যালুর সাথে অ্যাড করা হতে. বলো তো আগে ডাউনওয়ার্ড রিভ্যালুশন হো রা হ্যায় তো ফির ডিক্রিজ আগে অ্যাসেট কা ভ্যালু হো রা হ্যায় তো ক্যা অলওয়েজ পিএল মে হি দিখানা পড়েগা, নাহি ক্যা রুলস বোলা থা. हाँ, अगर पहले रिवॉल्यूशन में कुछ क्रेडिट हो रखा है तो यूज दिस वन. ये देखो, यूज रिवॉल्यूशन इज द फर्स्ट, देन यूज द पीएल. ठीक है, अगर पूरा नहीं बनता है तो पीएल बनाओ. इस पे हम लोगों ने एक तुम लोगों का क्वेश्चन था, वो भी मैंने करके दिखाया था. पहले पीएल से ले लो, अगर पूरा नहीं बनता है देन रिवॉल्यूशन रिजर्व को लेना है. तो ये जो बोला है ना कि ऑलवेज, ये देखो यहाँ पर बोला है कि ऑलवेज, ये वाला गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत जा रहा है. कहाँ चला गया, ये वाला. रिवॉल्यूशन ऑफ सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, नहीं ये गलत है. ऑलवेज बीन कभी नहीं होता है, ऑब्वियसली पीएल में जाता है. लेकिन पहले देखेंगे क्या ये पहला बार का पहले बार का रिवॉल्यूशन है, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन, तो पीएल में जाएगा. अगर सब्सिक्वेंट टाइम है तो पहले देखो कि पहले इस पे कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व मतलब अपवर्ड हुआ था कि नहीं, तो उसको यूज करना होता है. और रिवॉल्यूशन डिप्रिसिएशन एक चीज नहीं होता है. ठीक है, अच्छा 8th नंबर में देखो, बोल रहा है आकाश परचेज्ड मशीन फॉर 12 लाख.
estimated useful life 10 years ठीक है and scrap value 1 lakh depreciation for the first year using sum of years digit method shall be 2 lakh क्या सही है calculation तो calculation करके तुम लोग को देखना है तो sum of year digits method कैसे हुआ था ये देखो 12 lakh minus करना है scrap scrap बोला है 1 lakh ठीक है into क्या करना पड़ेगा अच्छा मुझे कौन से year का depreciation पूछा है first year का first year में बोलो first year में खड़े रह के asset का life कितना दिख रहा हो 10 obviously और नीचे कितना आएगा 10 plus 9 plus dot dot करके 1 तक बोलो 10 से लेके 1 तक ऐड करने से कितना होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है कितना हो गया गलत आया 73 नहीं होता 50 समथिंग होता है देखते 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 आ ठीक है तो ये देखो 55 हो गया ये मैंने सिखाया था तुम लोग को सम ऑफ ईयर डिजिट अब तुम लोग भूल गए हो लग रहा है देखो ये देखो 12 लाख माइनस कितना हो गया 1 लाख ये ऐसे होता है फिर मुझे क्या करना पड़ता है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट 55 ठीक है इनटू कितना हो जाएगा जहां तक डेप्रिसिएशन निकालने में फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर से मेरा एसेट का लाइफ कितना दिखता है 10 साल अगर सेकंड ईयर बोलता तो कितना दिखता 9 9 9 8 7 dot dot 1 तक ठीक है तो into कितना हो जाएगा 10 तो answer कितना आ जाएगा बोले 9 वर्ष रहते हैं हाँ अरे second year तक बोलते हैं 9 years 9 by 52 इस पे तो हम लोगों ने question कर रखा तो देखो कौन सा होगा यहाँ पर बोलो 2 lakh तो बोल answer सही है कि गलत है सही है तो answer क्या हो जाएगा true इस पे हम लोगों ने किया था मैंने पहले अपना एग्जांपल दिया था उसके बाद तुम लोग का जो क्वेश्चन है वो भी मैंने करवा दिया था ठीक है डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर अगर कभी बिजनेस में लॉस हो गया तो बोल रहे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे ऐसा होता है नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है बिजनेस में लॉस हो प्रॉफिट हो उसके साथ डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना डेप्रिसिएशन अपना चार्ज होगा लॉस है तो लॉस आएगा लॉस है तो टैक्स नहीं देना बस यही है इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे लॉस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे लॉस है तो रेंट नहीं पे करोगे ये कौन सुनेगा कोई नहीं सुनेगा ठीक है अच्छा अब देखो प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड टू फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बोल रहा है कि हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड जो करते हैं वो हमें किस बात का हेल्प करेगा ताकि हम लोग फंड को एक्यूमुलेट कर पाए ताकि फ्यूचर में जब सेम एसेट या अलग एसेट को हमें रिप्लेस करना हो तो हमारे पास सफिशियंट फंड हो तो क्या है हाँ इसी से तो कौन सा मेथड हम लोगों ने सीखा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्योंकि जितना जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतना उतना अगर हम लोग सेट एसाइड करते हैं एक्चुअली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से भी बेटर पता चलता है सिंकिंग फंड मेथड में जो कि है नहीं तुम लोगों का अगर होता तो हम करवाते सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है हर साल प्रॉफिट से एक अमाउंट सेट एसाइड करना पड़ता है उसका भी एंट्री दिखाया जाता है और उससे क्या होता है जैसे तुम लोग सोच सकते हो कि मेरा मोबाइल पुराना हो रहा है मुझे मोबाइल खरीदना है तो आज से पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया हर मंथ इतना करके तो उस तरीके से होता है तो हाँ ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हमें एक अमाउंट को एस्टिमेट करने में जरूर हेल्प करता है तो ये हम लोग का आंसर ट्रू होगा ठीक है अच्छा और नेक्स्ट देखते हैं देखो बोल रहा है इफ द इक्विपमेंट अकाउंट हैज ए बैलेंस ऑफ 12,50,000 एंड द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस 4 लाख रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ सेम सेल भी 16,50,000 बोल रहा है कि अगर किसी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिख रहा है 12,50,000 और इस पे अब तक का प्रोवाइडेड टोटल डेप्रिसिएशन दिख रहा है 4 लाख तो इसका रिटेन डाउन वैल्यू मतलब क्या बचा हुआ वैल्यू जिसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हो रिटेन डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हो बोलो बचा हुआ वैल्यू कितना हो तो पहला बात है बचा हुआ वैल्यू कभी ज्यादा हो सकता है बिना रिवैल्यूएशन के तो कभी ज्यादा नहीं हो सकता रिवैल्यूएशन तो बोला नहीं है मुझे तो मेरे मेरे एसेट ही 12,50,000 का है वो 16,50,000 का कैसे बन सकता है उस पे तो ऑलरेडी मैंने 4 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो 12,50,000 से माइनस कर दो 4 लाख ठीक है जो आंसर आएगा 8 लाख समथिंग आएगा वो मेरा आंसर होगा मतलब ये क्या है फॉल्स है ठीक है अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है कि पहले ज्यादा उसके बाद कम ठीक है इसका मतलब होता है जो स्टार्टिंग ईयर है वहां पर
मोर अमाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होना, ठीक है। और जो एंडिंग डेट आता है, मतलब एंडिंग टाइम जब आ रहा है, तो धीरे धीरे, मतलब पहले ज्यादा उसके बाद कम, उसके लिए ये लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का स्पीड वगैरह बताने के लिए, जैसे मान लो कोई भी, अगर तुम लोग एक बॉल यहाँ से ऐसे फेंक रहे हो, तो पहले उसका स्पीड ज्यादा होगा, जितना वो दूर जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, कम, उसके लिए ये लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो जो भी हो, ये साइंस में काफी ज्यादा यूज होता है। तो बोल रहे कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, क्या ये एग्जाम्पल है जहां पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, मतलब पहले ज्यादा फिर कम? हाँ, हमेशा वैसे ही होता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय जो मेरा सम ऑफ इयर्स डिजिट है, वो तो फिक्स हो गया। फिर यहाँ पर देखो, ये मेरा जो भी वैल्यू आएगा, एक बार वो इंटू होगा, जैसे मान लो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया, एक बार 10 से इंटू होगा, अगर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकलेगा, दूसरे का होगा तो 9, तो ये वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा, इस वैल्यू को 9 से करोगे उससे कम, फिर 8 से करोगे उससे कम, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, पहले तो ज्यादा होगा, उसके बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। मतलब ये आंसर मेरा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ओवर द लाइफ ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन द एक्सेलरेटेड मेथड विल रिजल्ट इन लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इन अर्लियर एंड मोर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर ऑफ इट्स लाइफ। बोलो, अभी तो बताया सही है, फॉल्स, ठीक है, अभी तो बोला, ये उल्टा होना चाहिए था, लेस डेप्रिसिएशन इन अर्ली, नहीं, लेस डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर होता, और ये जो अर्ली ईयर होता, तो फिर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है। अच्छा, अब 14th नंबर में देखो, वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड सेल गिव मोर डेप्रिशिएशन देन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बोल रहा है कि अगर हम लोग लैंड के कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो ज्यादा डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करेगा WDV से। बोलो, ये तो ऐसे ही फॉल्स होगा, क्योंकि लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो अब स्ट्रेट लाइन WDV उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत दे रखा है, डेप्रिशिएटिंग लैंड ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 15 नंबर में क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें एसेट पे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? बोल रहा है ये लोग, तो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तुम लोग सोचो, अभी तो लास्ट क्वेश्चन वही वाला किया, इनसे फॉल्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन तो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, जब तक उसका वैल्यू को हम लोग रिवर्स नहीं करते। नॉर्मली प्रोविजन क्रिएट होने का मतलब ये तो क्रेडिट होना, क्योंकि ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, ये बेसिकली रिजर्व है बोल सकते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड लाइबिलिटीज के अंडर आता है, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब 16th नंबर में देखो, इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स ऑफ एन एसेट वी नीड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन। बोल रहा है कि अगर किसी एसेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, जैसे हर एक चीज का एक मेंटेनेंस होता है ना, मेंटेनेंस तो करना पड़ता है, जैसे मान लो अगर घर पे एक्वागार्ड है, तो फिर उसको भी तो सर्विस करवाना पड़ता है, किसी के पास गाड़ी है उसका सर्विसिंग होता है, किसी का मशीन है उसका सर्विसिंग होता है। बोल रहे अगर हम लोग सही तरीके से सर्विसिंग पे यानी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत नहीं है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि हम अपने एसेट को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं। डेप्रिसिएशन तो करना ही पड़ेगा जितने भी अच्छे से तुम मेंटेन करो। हम अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करें तो क्या ये मेरे, हम जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन मेरे साथ चलेगा? तो कम लगाओ, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम इसको अच्छे से यूज करेंगे, तो इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू कम लगाओ, क्योंकि डिप्रिसिएशन का रेट तो डिसाइड करना जो है वो तो बिजनेसमैन के पास है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन हम लोग ये तो नहीं बोल सकते वो डिप्रिशिएट ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ह्यूमन बींग ही डिप्रिशिएट होता है, तो ये तो मतलब ह्यूमन बींग ने ही बनाया है, तो फिर ये तो डिप्रिशिएट होगा ही। अब देखो, व्हेन ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज सोल्ड देन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड। बोलो, अगर PPE बिक जाता है तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल रहे डेबिट होगा, सही बोल रहे हैं अभी तो? हाँ, जब क्रिएट किया तो क्रेडिट हुआ, जब उसको बेचेंगे उसका सारा डिप्रिसिएशन डिस्कर्ट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ तक तो सही बोल रखा है। आगे पढ़ते हैं, एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्या एसेट क्रेडिट होता है? हाँ, एसेट एसेट चला जाएगा तो एसेट तो क्रेडिट ही होगा, टू एसेट होगा, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, और बीच में क्या आ जाएगा, बेचने से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो PL डेबिट या 2PL बोल के आएगा, एंड एनी गेन और लॉस इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो, पूरा स्टेटमेंट बता दिया, सही है कि गलत? सही है, ठीक है।
while calculating the depreciation as per diminishing balance method, अगर हम लोग diminishing balance method का मतलब WDV method से depreciation को calculate करें, the salvage value of the asset at the end of its life reduced from its cost, बोल रहा है कि अगर हम लोग WDV method से depreciation को charge करें, ठीक है, कर सकते, बोल रहा है जो salvage value हम लोगों ने decide किया था वो क्या original कॉस्ट से लेस करेंगे, ऐसा कोई रूल्स है नहीं, बचे हुए वैल्यू से ही तो लेस करते हैं। WDV चार्ज किया तो क्या हुआ, WDV हो या SLM हो, सेल्वेज वैल्यू हमारा कहाँ से लेस होता है, SLM के केस में होता है, डिप्रिसिएशन जब निकालते हो SLM के केस में सेल्वेज कहाँ से लेस करते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करके निकालते हो डिप्रिसिएशन पर एनम। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि डिप्रिसिएशन अगर हम लोग WDV मेथड से चार्ज करें उसमें क्या होता है, मान लो 100 का एसेट 10 रुपए का डिप्रिसिएशन 90, फिर 9 का मतलब 10% लगा रहे 81, अब बोल रहे हैं सेल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट, अब जो सेल्वेज वैल्यू है तो मान लो हमें मार्केट में इससे मिलेगा 80 रुपीज, तो हम लोग यहाँ से लेस करके बताते हैं ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो बोल रहा है कि इसके कॉस्ट से लेस होगा 80 से, ये तो नहीं होता, ऐसा तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो, एनी चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, अगर हम लोग अपने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, काफी सारा किया था, अगर तुम लोग को याद है कि हम लोगों ने सोचा था 10 साल यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब 10 साल नहीं 3 साल करेंगे ऐसे करके, तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी यूजफुल लाइफ को चेंज करते हैं अपने एसेट का, शुड बी अकाउंटेड फॉर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ इसका देख लेते हैं, एनी चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी अकाउंटेड, अच्छा इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, फॉर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज कर रहे हैं इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, हाँ हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही इसको चेंज करने को मिलता है, ऐसे ऐसे नहीं चेंज कर सकते, मतलब हमें जब चेंज करना है ना हमें बोलना पड़ेगा क्यों हम लोगों ने किया, तो क्या रीजन दे सकते हैं कि हम लोग पहले जैसे यूज कर रहे थे उसका पैटर्न जो हम लोगों ने सोचा था कि इतना करके प्रोडक्शन होगा अब नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग चेंज करना चाहते, चेंज कर सकते हो लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जब तुम लोग ऑडिट पढ़ोगे तो ये सब चीज वहां पर भी दिखेगा, ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों चेंज कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि एएस के साथ अकॉर्डिंग विद एएस करना पड़ेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग विद एएस करना पड़ेगा। एन इंटेंजिबल एसेट इज ए नॉन आइडेंटिफाइबल नॉन मनीटरी एसेट, इंटेंजिबल, हाँ ये फॉल्स होगा, बोलो क्यों फॉल्स होगा, हाँ मनीटरी वैल्यू तो होगा, हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था ना पेटेंट का वैल्यू होता है, अगर तुम लोग कॉपीराइट करवाते हो उसका वैल्यू होता है, हर एक चीज का वैल्यू होता है, और ये कभी भी नॉन मनीटरी नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये वैसे भी ये नॉन आइडेंटिफाइबल है ऐसा बात भी नहीं है, ये टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या आइडेंटिफाइबल नहीं है, ऑब्वियसली इसका एक नाम है तो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, नॉन आइडेंटिफाइबल भी नहीं हो सकता है, आइडेंटिफाइबल ऑलवेज, बट हाँ इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर पाना और आइडेंटिफाई नहीं कर पाना दोनों अलग अलग बात होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या, कुछ ना कुछ तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका नाम तो है ना, तो इसका नाम पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ब्रांड वैल्यू हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हम लोग का पूरा फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू तो बच गया जो अभी तो बहुत सारा है कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, एक काम करते हैं नेक्स्ट दिन हम लोग जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले ही एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है, या फिर लास्ट में करवा देंगे और नया टॉपिक स्टार्ट, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।